तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने अपने माइक ताकि बैकग्राउंड का शोर ना है। और साथ में क्लासेस यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग आपको क्लास के तुरंत बाद मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा, या फिर मेरे आईपीटी इंडिया सर्च कीजिएगा, सबसे टॉप में ही होगा, लाइव क्लासेस करके टाइटल होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल फॉर्मूले की। ये फॉर्मूले की रिफ्रेश क्लासेस है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपकी एक्सेल की जो बहुत सारी चीजें कवर कर दी थी, तो हम फॉर्मूले क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार फॉर्मूले को मैं शुरू से थोड़ा सा स्पीड में आपको पढ़ा देता हूं, ताकि आपके सारे फॉर्मूले रिफ्रेश हो जाए, फिर हम मंडे से वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो अब इसमें हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मूला मेनू बार में, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लॉजिकल फॉर्मूला से। तो लॉजिकल फॉर्मूला में सबसे पहला बात आती है इफ। इफ से पहले हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर। मतलब कि एक्सेल में आप इनको जो है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि मुझे जस्ट चेक करना है कि ग्रेटर देन 50 कौन है, तो हम जस्ट यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 50 डालेंगे और हमारा रिजल्ट यहाँ ट्रू एंड फॉल्स में आ जाएगा। तो ये ट्रू एंड फॉल्स का रिकॉर्ड देता है कि जो अगर कंडीशंस फुलफिल कर रहा है वो ट्रू आएगा और फॉल्स आएगा। तो हम इफ का फॉर्मूला जो लगाते हैं, इफ का फॉर्मूला होता है, आप अगर लगाते हैं तो देखेंगे, तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट होता है और वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स। अगर वैल्यू यहाँ पे ट्रू हुआ तो पहले वाले वैल्यू को शो करेगा, फॉल्स हुआ तो दूसरे वैल्यू को शो करेगा। तो यहाँ पे जस्ट चाहिए होता है ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स चाहिए होता है। ये जो है ये इफ का पार्ट, ये जो दिख रहे हैं आप, ये जो आपका है, ये आपका इफ का पार्ट नहीं है, इंडिविजुअल है। इफ में हम कंबाइन करते हैं ताकि हम एक कॉलम बचाने के लिए हम इफ में डायरेक्ट डाल देते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन 50 है तो यहां पे ओके, अदरवाइज पेंडिंग शो हो, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। लेकिन इसका ध्यान आप रखिएगा कि इफ ए इंडिविजुअल है, इसलिए इसको हम अलग अलग जगहों पे यूज कर पाते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब अगला ऑप्शन पे जानते हैं, हम इफ के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे नेम है और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं चाहता हूं कि मेरा नेम जो है, जब मैं टाइप करता हूं तो मुझे यहाँ सीरियल नंबर देना होता है। मैंने रिक्वेस्ट किया था आप लोगों से कि आप अपने माइक म्यूट रखेंगे प्लीज, राहुल सिंह यादव जी प्लीज माइक को म्यूट रखें, आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। तो यहां पे हम नाम डालते हैं, सीरियल नंबर डालते हैं, फिर यहां पे मान लीजिए हम ओम डालते हैं, तो यहां पे वन की जगह पे देखिए टू आता, हम लिखना पड़ता है, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हो जाए। तो यहां पे कंडीशन देते हैं कि इफ अगली सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50 है, अगली सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50 है, सॉरी माफ कीजिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सर, सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया ना तो लग रहा है दिमाग सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो V3 इज ग्रेटर देन 0 है, 0 हमने क्यों किया, क्योंकि ब्लैंक सेल को एक्सेल 0 समझता है। तो V3 अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब है उसमें कुछ टाइप है, ऐसा हो तो अपने ऊपर वाले वैल्यू में +1 कर दे, अदरवाइज ब्लैंक कर दे। जी हाँ, ऊपर वाले वैल्यू में +1 कर दे, अदरवाइज
ब्लैंक कर दें और इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अब यहां पे मैं डालूंगा कि नीरज, तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर अगर मैंने इंदर डाल दिया तो यहां पे एरर आएगा। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास फॉर्मूला, एक मैक्स फॉर्मूला की यूज कर देते हैं इफ के साथ। सेम कंडीशन होगा कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो मैक्स, और मैक्स के अंदर में जो हम रिजल्ट देंगे वो देंगे कि C1 से C1, और फिर यहां पे कॉमा करके हम C1 पे C1 प्लस 1 कर देते हैं यहां पे, और फिर यहां पे हम ब्लैंक दे देते हैं। फिर नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, और ड्रैग करने से पहले C1 को आप फ्रीज कर दीजिए, फिर नीचे की तरफ ड्रैग कीजिएगा तो आपका ब्लैंक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से मान लीजिए कि मेरा यहां पे स्टार्ट और एंड डेट डाला हुआ है, एंड डेट डाला हुआ है। मैं चाहता हूं कि यहां स्टार्ट में जो मैं डेट डालूं और जो मैं एंड में डेट यहां पे उसी के बिटवीन डेट है, यहां पे डेट वही है मान लीजिए, तो आप स्टार्ट डेट को लिंक कर दीजिए और फिर नीचे कर दीजिए फॉर्मूला के एफ ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करने पे, अगर ओ ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करने पे अगर ओ ग्रेटर देन हमारे एंड डेट से है तो यहां पे ब्लैंक कर दे, नहीं तो ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर दे। अब नीचे हम डायरेक्ट ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि हमें इस H2 जो कि फिक्स डेट है उसको हमको फ्रीज करना पड़ेगा। फिर नीचे की तरफ इसको हम ड्रैग करते हैं, लेकिन इसमें एरर के चांसेस हैं। यहाँ पे देखिए आप एरर आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ब्लैंक है और सिस्टम ब्लैंक को टेक्स्ट समझता है, मतलब कि जो आप फॉर्मूला से ब्लैंक देते हैं वाले उससे जो है उसको जो है ब्लैंक समझती है, इसलिए टेक्स्ट होता है, ब्लैंक को टेक्स्ट समझती है। तो टेक्स्ट में किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसलिए तो यहां इससे रुकने के लिए हमारा तरीका क्या है? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इफ एरर का। इफ एरर का फॉर्मूला क्या करता है कि अगर सेल ब्लैंक है तो एरर देगी, अगर सेल आपका एरर है तो उसके जगह पे जो मर्जी देना चाहे दे सकते हैं, या फिर जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जैसा है वैसा ही आएगा। मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो देखिए डेट बढ़ाता हूं, मैं यहां पे कर देता हूं मान लीजिए 1/15 कर दिया तो अपने आप बढ़ जाएगा डेट। ये चीजें इफ से होती है। लेकिन आपके पास अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो जैसे कि इसी में मान लीजिए हमारा इसी में मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल कंडीशन हो तो क्या करें? तो मल्टीपल कंडीशन मतलब कि मुझे ग्रेटर देन बिटवीन मतलब कि 60 to 90 के बीच में आया हो तो वहां पे ओके देना है। आपको 60 to 90 के बीच में उसको ओके देना है, तो बिटवीन है मतलब कि ग्रेटर देन 60 और लेस देन 90। तो यहां पे दो चीजें हैं, एक तो हम यहां एंड का फॉर्मूला दे सकते हैं कि एंड इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे अगर ग्रेटर देन 50 है तो 60 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, या फिर यहां पे लेस देन इक्वल टू 90 है। तो एंड के अंदर में हम एक से ज्यादा कंडीशन देंगे क्योंकि एक इफ में हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं, बट एंड में कई सारे कंडीशन दे सकते हैं। ऐसा ही कई सारे कंडीशन हमारा हो गया। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर ट्रू आएगा, बट ट्रू एंड फॉल्स को कन्वर्ट करना है तो यहां पे आप इफ का फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर ऐसा है तो ओके। अब यहां पे इक्वल ट्रू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इफ को ट्रू एंड फॉल्स चाहिए होता है, एंड का यूज भी ट्रू एंड फॉल्स के लिए ही होता है। लेकिन इसी चीज को अगर आप इफ से करना चाहें तो आपको नेस्टेड इफ लगाना पड़ेगा, मतलब एक इफ के अंदर में दूसरा इफ। यहां पे देखिए कि इफ
इफ में हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, फिर कॉमा वापस इफ दिया और बोला कि अगर ये लेस देन इक्वल टू 90 है, तो यहां पे ओके है, अदरवाइज पेंडिंग है। इस तरह से चीजें हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभी फॉल्स आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पेंडिंग में तो फॉल्स को दिया है, एक इफ को दिया है, तो जितना इफ उतना फॉल्स आपको देना पड़ेगा। इक्वल पेंडिंग, एक्सक्यूज मी सर, अगर इसी तरह से मेरे पास मल्टीपल, हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ सर, वो एंड एक बार बता दोगे? मैं बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, एंड का अलग एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक नेम है और यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास सब्जेक्ट है। एग्जांपल मैं सबको बताता हूँ, तो जिनको पता होगा वो बोल मत होइएगा। और यहाँ पे मुझे रिजल्ट देना है और रिजल्ट में है कि हर सब्जेक्ट के अंदर आपका ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, हर सब्जेक्ट के अंदर ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, तो वहां पे पास होना चाहिए। तो यहां हम फॉर्मूला देंगे इफ का, इफ नहीं मैं सॉरी एंड देंगे क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है कि एंड होगा, तो एंड इफ क्या लगेगा कि पहले एंड समझा देता हूं मैं, ये ग्रेटर देन 30 है कॉमा, फिर इसको सेलेक्ट किया बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है कॉमा, फिर वापस इसको सेलेक्ट किया बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, और फिर हमने वापस इसको सेलेक्ट किया बोला क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, इक्वल टू कीजिए, हाँ इक्वल टू कर, तो सारा अगर फुलफिल हुआ तो ट्रू देगा। तो एंड के अंदर में आप एक से ज्यादा कंडीशन लगा सकते हैं, 256 कंडीशन तक एंड में आप लेके जा सकते हैं। अगर 256 कंडीशन में ट्रू हुआ तो यहाँ पे ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अब मुझे फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स को कन्वर्ट करना है पास और फेल में, तो यहाँ पे होगा आपका इफ और यहाँ पे कर दीजिए ट्रू हो तो यहाँ पे पास, यहां पे रिजल्ट नीचे तक एंट्री हो जाएगा। ओके, इसी चीज को अगर हम नेस्टेड इफ से करें, अब नेस्टेड इफ से करने का रीजन क्या है कि अभी क्या है कि हम 5 नंबर हम दे सकते हैं, समझे, हर जो इसको 5 नंबर हम दे सकते हैं, 5 ग्रेसिंग नंबर हमारा देने का अथॉरिटी है। जैसे कि जिसकी सब्जेक्ट में अगर 5 नंबर अगर कम है तो 5 नंबर देके हम इसको पास कर सकते हैं, तो 5 नंबर हर सब्जेक्ट में हम दे सकते हैं। तो इस केसेस में हमें इफ लगाना पड़ेगा, हम बोलेंगे कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, फिर यहां पे दूसरा इफ इसको सेलेक्ट किया और बोला क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, फिर हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, फिर कॉमा इसको सेलेक्ट किया, सॉरी इफ लगाना पड़ेगा, मैं इफ नहीं लगा रहा हूं, फिर इसको सेलेक्ट किया बोला कि इफ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, अगर ऐसा हुआ तो यहां पे पास आना चाहिए, अदरवाइज फेल आना चाहिए। तो फेल के लिए मुझे यहाँ पे कई सारे बार फेल हो सकता है, तो मुझे हर एक का एल्स में देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं ग्रेसिंग वाला काम नहीं कर रहा हूं, मैं अभी वो भी बताऊंगा। ब्रेक क्लोज,
एंड का नेस्टेड, जैसे हम एंड से किया इसी को यहाँ पे नेस्टेड इफ से कर सकते हैं, तो ये आपका फेल आ रहा है। अब यहाँ पे फॉल्स हुआ क्योंकि मुझे कोई हमारा छूट गया है, हाँ चार होना चाहिए ना, यहाँ पे छूट गया तो यहाँ पे हमने कर दिया। तो नेस्टेड इफ इस तरह से आप लगा सकते। अब यहाँ पे बात होती है, चलो ये तो होगी, अब बात करते हैं कि अगर मुझे इसमें इसका सम करना है, टोटल करना है, बट टोट यहाँ पे टोटल, यहाँ पे टोटल मार्क्स देना है, बट वही है कि अगर ए ग्रेटर देन 30, मतलब 25 से ऊपर है, तो हम इसको 5 ऐड करके टोटल कर ले, टोटल में डाल दें। तो यहाँ पे मुझे 5 अलग अलग इफ देने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा कि इक्वल हमें पहले इसको सिलेक्ट करना होगा। नहीं ऐसे भी हुआ हो सकता है कि हम यहाँ पे, क्योंकि हमें टोटल ही तो करना है, तो हम यहाँ इक्वल हम काउंट इफ भी दे सकते हैं यहाँ पे, कि काउंट इफ में हमने इस पूरे को सिलेक्ट किया। काउंट इफ से नहीं होगा, इसके जगह पे हम काउंट इफ दे सकते हैं नॉर्मली, अगर हम इसको काउंट इफ से भी कर सकते हैं कि काउंट इफ, और काउंट इफ में हमने बोला एक पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लिया, बोला कि कौन ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, इस तरह से भी लगाया जा सकता है। और यहाँ 3 आया। अब कंडीशन दे सकते हैं कि अगर काउंट इफ का रिजल्ट इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे पास, लेकिन ये तभी यूज होगा, ये आपका तभी यूज होगा जब आपका रिजल्ट 1 हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ पे 50 नंबर का था, ये आपका 100 नंबर का था, तो उस केसेस में आपका ये नेस्टेड इफ या एंड वाला मेथड ही अपनाना पड़ेगा, ये मेथड वर्क नहीं करेगा। हम बात करते हैं कि मुझे इसको टोटल करना है, बट मुझे 5 नंबर की ग्रेसिंग देनी है। जैसे मान लीजिए कि ए 26 है, तो इसमें हम 5 नंबर, इसको इसमें 5 नंबर जितना कम होता है नंबर देके इसको 30 करके पास कर देंगे। तो यहां पे कंडीशन लगेगा कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो जो है वो शो कर दे। अदरवाइज एक और इफ चलेगी, इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है, तो इस पे प्लस हो जाए 30 माइनस 8। नहीं तो जो नंबर है वही नंबर शो करे, ये हमारा एक कंडीशंस हुआ। अब इसी कंडीशंस में हम इसको जो है प्लस करेंगे, और इसी में हम करेंगे दूसरा कंडीशन कि इफ, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो जो है वही शो करेगा, नहीं फिर दूसरा कंडीशन चेक करेगा क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है, अगर 25 है तो 30 माइनस इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें इसमें प्लस करना है ना हमें, इसमें प्लस हो 30 माइनस, ये जो है सो जितना कम है उतना ही देना है हमें, 5 8 5 नहीं देना है, हमें पासिंग मार्क तक जाना। अगर एक नंबर है कम है तो हम 1 नंबर देंगे, 2 नंबर का हमें 2 देंगे, 5 तक हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सबको 5 देते चले, अदरवाइज जो है हुआ है। अब इसी प्रोसीजर को सबके साथ करना पड़ेगा प्लस प्लस करके। तो यहां देखिए 72 आ गया, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो पता चलेगा कि इसने क्या किया है, मेरे से 72 ही दे रहा है, दोनों का जोड़ देना था ना, 72 और 26। एक मिनट
कुछ गलत हो रहा है इसमें, हमें बी टू बहत्तर है, रिटर्न 30 है। ओ इसने एक मिनट, इसमें हमने यहाँ पे ब्रैकेट आई थिंक क्लोज नहीं किया, सी टू यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज करना होगा शायद, इसलिए ऐसा हुआ। हाँ अब सही आएगा, 102 आ गया। तो इसने इसने क्या देखा कि इसने चेक किया कि 72 है, तो 72 है तो सिर्फ उसने 72 ही दे दिया। फिर दूसरा एक चेक हुआ कि 26 है तो फॉल्स है, 30 है तो फिर चेक किया कि 25 से ज़्यादा है, ट्रू। हाँ तो इसने क्या किया कि 26 में जितना कम था उतना जोड़ के उसको 30 दे दिया, यहाँ पे आपके सामने 30 आ गया। तो इस तरह से ग्रेसिंग नंबर दे सकते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक आता है कि अगर मान लीजिए मुझे अगर इसी में ऑप्शनल करना हो तो, जी हाँ ऑप्शनल मुझे करना हो, जैसे कि हमारे पास डेट डला हुआ है, यहाँ मैं इसी महीने का डेट डाल देता हूँ अप्रैल का। अब मुझे यहाँ पे वीकेंड टाइप शो करना है, यहाँ पे वीकेंड का टाइप शो करना है कि वीकेंड का टाइप क्या होगा। वीकेंड के टाइप में हमने यहाँ पे करनी, यहाँ पे ये होगा कि हमारे पास एक टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है, टेक्स्ट फॉर्मूले में हम यहाँ पे देते हैं डी डी डी, तीन बार डी डी करते हैं तो सैटरडे संडे, या फिर दूसरा होता है हमारे पास वीक नंबर, वीक डे, तो वीक डे डाल देंगे तो ये आपको बता देगा कि वीक का कौन सा डेट है। वीक डे में अगर मैं यहाँ पे कॉमा टू करता हूँ, मतलब कि मंडे से हमारा वीक स्टार्ट होता है, तो ये 4 आ गया। तो मंडे को 1, ट्यूजडे को 2, थर्सडे को 3, वेडनेसडे को 4 करके ये देता है, तो दोनों में से एक कर सकते हैं। तो अगर मैं इस सैटरडे एंड संडे के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो हमें यहाँ पे कंडीशन देना पड़ेगा और का, और हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि अगर ए, इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा मैं यहाँ पे टेक्स्ट इसको सेलेक्ट किया और बोला कि अगर ए डी करके इक्वल अगर ए सैटरडे है, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है ना, सैटरडे देना है या फिर हमें संडे देना है। दूसरा अब इसी को, इसी टेक्स्ट फॉर्मूला को मैं कॉपी करके लिख देता हूं कि अगर ये संडे हुआ तो सैटरडे या फिर संडे, तो रिजल्ट यहां पे फॉल्स आएगा नहीं तो ट्रू आएगा। तो ट्रू एंड फॉल्स को कन्वर्ट करना है आपको वीकेंड एंड वीकडे में, तो इफ फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ, और यहां पे हम दे देते हैं वीक एंड, तो एंड के जगह पे हम और लगा सकते हैं, कब, जब हमारे पास ऑप्शनल हो कि भाई मुझे कई सारे रिजल्ट में से एक भी चलेगा तो वहां पे हम और का लगाते हैं। अब मुझे इसको वीक नंबर से करना हुआ तो इसमें इफ लगा देंगे सिंपल कि इफ ए, हमने इसको सेलेक्ट किया कॉमा टू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कर दिया, 67 हाँ 6, तो यहाँ पे वीक एंड आना चाहिए अदरवाइज ये भी दे सकते हैं क्योंकि ये नंबर आता है जिसमें सिंपल लॉजिक लगाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि इसी में मुझे ए लगाना हो, मतलब कि स्लैब इंसेंटिव करना हो, तो क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे सेल्स लेता हूँ और लाइन बिटवीन का फॉर्मा लगा के यहाँ पे देता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसी के ऊपर स्पेशल पेस्ट जो वैल्यू करता, मुझे स्लैब देना है कि भाई 0 to 40 हो, 40 to 60 हो, 80 कर देता हूँ मैं, 80 हो और 80 to
ग्रेटर देन 100, तो 40 से ऊपर होते यहाँ पे 500, यहाँ पे 40 to 80 हो तो यहाँ पे आना चाहिए 1000, यहाँ पे आना चाहिए 2000 और यहाँ पे 5000। तो यहाँ पे हम इंसेंटिव INC लगाते हैं इंसेंटिव, और यहाँ पे फॉर्मूला देते हैं इफ का कि इफ अगर ए, कि हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास सब कुछ है, मतलब कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है इसमें। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पे हम देंगे कि लेस देन इक्वल टू 40 है तो 500, फिर यहाँ पे वापस इफ देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे अगर लेस देन इक्वल टू 80 हुआ तो यहाँ पे 1000, फिर वापस हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए और बोले लेस देन इक्वल टू 100 हुआ तो यहाँ पे आना चाहिए 2000 बाय 5000। हम स्लैब इंसेंटिव के लिए नेस्टेड इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेटेड कोई एक काम करते हैं, इफ इफ को और ज्यादा सीखने के लिए इफ से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट करते हैं। चलिए तो यहां एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक अटेंडेंस सीट की बात करता हूं, अटेंडेंस सीट की मैं बात करता हूं। अब मुझे इस अटेंडेंस सीट में बनाना है तो सबसे पहले मैं यहां पे एम्प्लॉय कोड देता हूं या सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, उसके बाद डेट। तो डेट हम यहाँ पे आज का दे देते हैं, एक अप्रैल का देते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ डेट को ड्रैग नहीं करेंगे, इसमें हम प्लस वन कर देते हैं और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर। यहां पे प्रॉब्लम आ गई कि अब मैं इसमें इसमें एक बेनिफिट हुआ प्लस कर देने से, या मैं यहां पे मान लीजिए अगर मैं मार्च का डेट डालूं तो पूरा डेट हमारा मार्च के अकॉर्डिंग हो जाएगा, अगर फरवरी का डालूं तो फरवरी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है कि यहां बढ़ जा रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि महीने का लास्ट डेट ही रहे। तो किसी महीने का लास्ट डेट पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ईओ मंथ का, मतलब कि मुझे पता करना है यहाँ पे कि इसका लास्ट डेट क्या है, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला ईओ मंथ। ईओ मंथ में हम डेट सेलेक्ट करके यहाँ जीरो करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा एक डेट आ गया, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो यहां हम कहते हमें पता है कि कम से कम 28 तो होगा ही होगा, यहां पे इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन बनेंगे इफ ईओ ये डेट डेट अगर ये ग्रेटर देन हो जाता है ईओ मंथ, और ईओ मंथ कोई भी एक डेट ले लेते हैं और यहां पे जीरो कर देते हैं, ऐसा हुआ तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो अपने डेट में जो प्लस कर रहे हो प्लस हो। और जाहिर सी बात है जब इसको हम ड्रैग आगे की तरफ करेंगे तो एरर आएगा क्योंकि ब्लैंक प्लस वन होता है, तो इसमें हम इफ एरर लगा देते हैं यहाँ पे कि इफ एरर, और यहाँ पे हम देते हैं ब्लैंक। तो अब हर महीने की लास्ट डेट ही आ पाएगी, जो भी महीना मैं यहाँ डालूँ, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे डाल देता हूँ मार्च, तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अप्रैल, तो यहाँ पे अप्रैल तक का ही आएगा, ये फिलहाल मैं मार्च तक का ही लेता हूँ। हाँ, अब मुझे इसके आगे वीकेंड्स भी लगाना है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं टेक्स्ट
टेक्स्ट भी हमने दिया, टेक्स्ट इसको सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे लिखा डी डी डी, तीन बार डी डी लिख दिया तो ये आपको देखा सैटरडे संडे आ गया, अब मुझे क्या करना है कि जो सैटरडे संडे है उसको हाईलाइट करना है इस तरह से। तो मैं यहां पे कर्सर रखता हूं और यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चला जाता हूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद मैं यहां न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला और यहां पे जाता हूं, छोड़ देता हूं और का, और इसमें मैं सेलेक्ट करता हूं, बोलता हूं कि अब क्या ये सैटरडे है, फिर वापस मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और बोलता हूं क्या ये संडे है। तो हम इसमें डॉलर का साइन जो कॉलम के आगे का है वो हटा देते हैं क्योंकि रो तुम्हारा फिक्स है, कॉलम अलग अलग हो रहा है, और इसमें अपना जो कलर देना है हम यहां पे अपना कलर दे देते हैं। फॉर्मेट पेंटर से हमने इसको पेंट किया, जहां तक डेटा है वहां तक पेंट करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो जहां जहां सैटरडे एंड संडे है वहां वहां आप देख रहे हैं ये हाईलाइट हो गया। अब एक चीज और है कि हमारे पास एक सीट है हॉलीडे की, इस साल के जितने भी हॉलीडे है यहाँ पे दिए हुए हैं डेट, जैसे कि 1 जनवरी हॉलीडे थी, फिर हमारा 14 जनवरी हॉलीडे था, फिर हमारा 11 मार्च हॉलीडे था, ऐसे मेरा 17 मई भी हॉलीडे होगा, या एक काम करता हूँ हम 6 अप्रैल कर देता हूँ, 6 अप्रैल भी हमारा हॉलीडे। तो जो भी हॉलीडे का लिस्ट होगा वो पूरे हॉलीडे का लिस्ट मैं यहाँ पे ला दूंगा, और फिर यहाँ पे हम चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे 11 मार्च था हमारा, तो 11 मार्च जो है ये हाईलाइट हो जाए कोई डिफरेंट कलर से। जी हाँ, डिफरेंट कलर से हाईलाइट होना चाहिए। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये यहां पर है, तो इसके लिए हमारे पास मैच का फॉर्मूला है, हमारे पास वी लुकअप का फॉर्मूला है, बट मैच और वी लुकअप में क्या होता है कि एरर आता है, और हम चाहते हैं कि एरर ना आए। जी हाँ, हम चाहते हैं कि किसी तरह का एरर ना है, तो क्या करेंगे, क्योंकि एरर पे एरर नहीं देना पड़ेगा। तो हमारे पास एक काउंट इफ का भी फॉर्मूला अवेलेबल है, तो न्यू रूल्स में हम जाते हैं और यहां पे देते हैं इक्वल काउंट इफ, और काउंट इफ में हम लोकेशन जाके एच कॉलन कर ए दे देते हैं, और फिर वापस अटेंडेंस में आते हैं और हम ए दे देते हैं D5, अटेंडेंस हटा देता हूँ, बड़ा हो जाएगा फॉर्मूला। हमने बोला कि अगर इसका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसमें डी का हम डॉलर साइन हटा देते हैं, बाकी सब चीज फिक्स रहेगा, और इसमें हम कोई और कलर दे देते हैं एंड इसको ओके करते हैं। फिर हम फॉर्मेट पेंटर से इसको पेंट कर देते हैं, तो आपका जिस दिन होलीडे होगा उस दिन का इस तरह का सेम कलर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, बट हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्मेटिंग वहीं तक हो जहां तक हमारा डेटा है, क्योंकि तो यहां पे लास्ट में डेटा कम ज्यादा हो रहा है, तो हमें फॉर्मेटिंग वहीं तक करनी है जहां तक हमारा डेटा है। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं, नहीं मुझे एक ही सेल सेलेक्ट करना होगा, माफ कीजिएगा, एक ही सेल सेलेक्ट करना होगा,
फॉर्मूला देना है ना, इसलिए एक्सेल सेलेक्ट करना है यहाँ से, क्योंकि ये कंडीशन बॉडी रिमूव हो जाएगी। फिर न्यूरोस यूज फॉर्मूला, हमने बोला कि ई जो है नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो तो इसके ऊपर हम बोलते हैं कि बॉर्डर अप्लाई हो जाए। हमने अभी नॉट इक्वल टू दिया तो इस बॉर्डर पे क्यों नहीं हुआ? मैं इसे डी के आगे का डॉलर हटा देता हूँ, सॉरी डी सिक्स नहीं लगाना था, हमारा D5 लगाना था। फॉर्मेट प्रिंटर से हम पूरे एरिए को फॉर्मेट कर देते हैं, हो गया सर। और इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाते हैं और हम इसको कस्टम में जाके दो बार सिर्फ डीडी कर देते हैं। इसमें दो बार डीटी कर देते हैं और उसके बाद यहां हम मंथ डाल देते हैं और मंथ में यहां जो है हम टेक्स्ट का नहीं इसको इक्वल हाँ टेक्स्ट का फॉर्मूला लेते हैं, टेक्स्ट का फॉर्मूला टेक्स्ट और इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम दे देते हैं MMYY हो जाएगा फॉर्मूला। पेज लेआउट में जाता हूं और मैं यहां से ग्रिड लाइन को हटा देता हूं और यहां पे आता हूं और ये ले लेता हूं। इसमें एक अब जी जो है बन गया ऑटोमेटेड फॉर्मेट कि मैं जिस महीने का डेट यहां डालूंगा, जैसे मैंने डेट डाल दिया अप्रैल का, तो पूरा रिकॉर्ड मेरे अप्रैल के हिसाब से आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जीरो हो गया, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने काउंट इफ में दिया है, काउंट इफ में वो ब्लैंक को भी काउंट कर देता है, तो हमें यहाँ पे मैनेज रूल में आना होगा और काउंट इफ वाले में थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। यहाँ पे हम और का फॉर्मूला लगा देते हैं और एंड का, सॉरी एंड के फॉर्मूले में हम यहाँ दे देते हैं कॉमा, ये भाई A5 है ना, हाँ तो इस A5 को हम कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि I greater than not equal to blank होना चाहिए। हाँ तो 30 तक हमारा ये हाईलाइट हो गया, तारीख क्यों हट गया? A5 क्यों ले रहा है, समझ नहीं आ रहा, A5 क्यों ले रहा है? हाँ अब आ गया, एक कॉमा लग गया था लास्ट में, बीच में एक कॉमा लग गया। अब मेरा एग्जैक्ट ये फॉर्मेट बन गया। अब बात करते हैं अटेंडेंस की, तो हम भी चाहते हैं कि अटेंडेंस भी ऑटोमेटिकली बनता रहे। तो जैसे कि मैंने क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि अटेंडेंस आप डालते हैं
तो अगर आप देखें तो एवरेज जो है एक महीने में, मतलब आपके पास जो पर डे एवरेज जो है, 2 से 3 लोग, अगर 100 लोग हैं तो 2 से 3 लोग ही छुट्टी करते हैं, आपको एंट्री पूरे 100 लोगों की करनी पड़ती है। तो मैं क्या कर किया था कि हम यहाँ पे हम सिर्फ जो है एब्सेंट का ही एंट्री करते थे। कैसे, देखिए, डेट, एम्प्लॉई कोड, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि मैं 1 अप्रैल को लीव था, एम्प्लॉई कोड हुआ, तो एक क्या करेगा, बस एक चार एक तारीख को सिर्फ एक आदमी एम्प्लॉई नंबर 1 ही यहाँ पे एक्टिव था, एब्सेंट था, बाकी सारे प्रेजेंट था। तो अटेंडेंस क्या करेगा कि सिर्फ इस पे यहाँ एब्सेंट लगा देगा, बाकी सब पे प्रेजेंट लगा देगा। तो कैसे करेंगे, चलिए, तो इसमें वी लुकअप लगाना है, लेकिन वी लुकअप में हम ऐसे ही लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे अटेंडेंस रिपीटेड होगा ना डेट के हिसाब से। तो हमें एक यहाँ पे कोड जनरेट करना है। अब यहाँ देखिए, मैं एक वी लुकअप का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, बट वी लुकअप में मल्टी लुकअप के बारे में बात करेंगे। तो मैंने क्या किया कि डेट को, नहीं, इसको कोड को डेट के कंबाइन करने के लिए डैश लगा देता हूँ सेपरेटर, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। इस तरह से अब फिर मैंने क्या किया, यहां पे लगाया फॉर्मूला वी लुकअप का। वी लुकअप में भी मैं अपने डेट इसके साथ कंबाइन कर दिया, इसको नंबर के साथ एन परसेंट दिया और इसको मैंने कंबाइन कर दिया अपना डेट। फिर वी लुकअप में हम यहाँ आ गए अटेंडेंस पे और हमने सेलेक्ट किया और बोला 2, 3, 4, 4, 0 ये आ गया। फिर मैंने बोला इफ एरर को कि इफ एरर, और यहां पे हमने बोला कि कॉमा पी, हमने बोला कि इसको फिर हम पूरे एरिया में ड्रैग कर देते हैं, लेकिन ड्रैग करने से पहले फ्रीज करना पड़ेगा, तो फ्रीज कर देते हैं। A6 का ए फ्रीज होगा, नहीं, 6 फ्रीज होगा, ए फ्रीज होगा, 6 नहीं, D5 का हमारा 5 फ्रीज होगा और ए पूरा फ्रीज होगा F। फिर हम जो है पूरी डेटा दे गए, कंट्रोल जी एंड कंट्रोल आर, ठीक है सर। अगर मैं मान लीजिए कि आपका इम्प्रिंट नंबर 6 जो है आपका 9 तारीख में अब्सेंट था, तो मैंने यहाँ पे डेट डालूंगा 9 का, एम्प्लॉय नंबर 6, और ये हमारा ऑप्शन में लीव पे था, हमने लीव कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका लीव आ गया। ओके, तो हमें डेटा एंट्री बहुत कम करना पड़ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे तो वीक ऑफ होना चाहिए था ना, और यहाँ पे तो ऑप्शन हो, ये होना चाहिए था, ऑप्शन होना चाहिए, तो फिर वीक ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इफ, और इसके साथ हम देते हैं और का फॉर्मूला ऊपर, और अगर ए इक्वल टू सैटरडे, फिर कॉमा, हमने वापस इसको सिलेक्ट किया, बोला फॉल्स आ गया ना, यहाँ पे तो मैंने ये दिया नहीं ना कि क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे वीक ऑफ होना चाहिए। और इसको भी ड्रैग करने से पहले हमें फ्रीज करना पड़ेगा।
बाद मुझे यहाँ पे अब सेंड भी करना है, सॉरी होलीडे एच भी करना है। तो वापस मैं आप देखिए धीरे धीरे फॉर्मूला में बढ़ा रहा हूँ, बोलूंगा कि इफ इफ में हमने दिया काउंट इफ, काउंट इफ में मैंने होलीडे कॉलम में गया और इसको सेलेक्ट कर लिया पूरे को। सेलेक्ट करने के बाद हमने बोला यहाँ पे अगर इसका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू वन आता है तो यहाँ पे होलीडे आ रहा है, नहीं तो जो चल रहा है उसको चलने दे। इसको आगे ड्रैग करने से पहले हमें फ्रीज करना होगा, हमने इसको फ्रीज कर दिया और D4 में हम सिर्फ 4 को 4 नहीं सर 5 होगा नाम कीजिएगा। अब फिर इसको हम आगे की तरफ पूरे में ड्रैग कर देते हैं, देखिए ये H आ गया है सर, अटेंडेंस ऑटोमेटिकली हमारा होलीडे और कर देगा एक ये। लेकिन हो सकता है कोई स्टाफ मान लीजिए कि 4 अप्रैल को भी आ गया है, यहाँ पे कि कोई स्टाफ यहाँ पे 4 अप्रैल को भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं एम्प्लॉय नंबर 6 नहीं मैं 4 अप्रैल और एम्प्लॉय नंबर मान लीजिए मैं कर देता हूँ 7 एक्स्ट्रा वर्क आ गया, या फिर आप पी भी कर देता हूं तो दिक्कत नहीं, पी कर दीजिए प्रेजेंट था। तो यहां पे एक्स्ट्रा वर्क होना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्क या हाँ एक्स्ट्रा वर्क होना चाहिए, ठीक है। क्या करें इसका आगे वापस में फिर से ये जो हमने वी लुकअप लगाया हुआ है नहीं, अगर सिर्फ आपको पी शो करना है तो ये पूरा जो कंडीशंस आप देख रहे हैं इस पूरे ये पूरे कंडीशंस को यहां पी पे रख दीजिए, सॉरी लेकिन नहीं मुझे और भी चीजें हैं लंबी नहीं करना चाहता हूं। तो वापस मैं यहां पे इफ के साथ मैं यहां पे इफ के साथ में मैं यहां पे इफ एरर लगाऊंगा, इफ एरर और फिर इसमें वी लुकअप में मैं इसको कंबाइन करूंगा डैश से और फिर वापस हम डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा हम चले जाएंगे यहाँ अटेंडेंस में और हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको वापस और कॉमा 4.0 और जो बाकी फॉर्मूला है वो इफ एरर के सेकेंड पार्ट में चला जाएगा। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि यहां इसका ए फ्रीज कर देता हूं, D5 का 5 फ्रीज कर देता हूं, ए बी सी डी इसको फ्रीज कर देता हूं ताकि आगे चेंज ना हो, फिर और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, देखिए पी आ गया, ओके। तो इसमें भी और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है, जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय कंटिन्यू 3 दिन तक माने कंटिन्यू 3 दिन तक अगर ये होता है आपका वीक ऑफ होता है एब्सेंट होता है, जैसे हमारी कंपनी में कहा था कि आपने बिना नो शो नो कॉल 3 दिन से ज्यादा छुट्टी कर लिया, 3 दिन तक कंटिन्यू छुट्टी कर लिया तो फिर आपको जो है रेफर टू एचआर कर दिया जाता है, समझे कि नहीं। तो ए मतलब कि मान लीजिए इसी को पूजा को ले लीजिए, अगर पूजा ने कंटिन्यू 1 अप्रैल फिर मैं यहाँ पे 2 अप्रैल और फिर यहाँ पे मैं 3 अप्रैल
यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए एक कंटिन्यू हमारा 3 दिन तक छुट्टी हो गया, तो इसमें क्या है कि यहां रेफर टू एचआर कर दिया जाएगा, रेफर टू एचआर कर दिया जाएगा, और उसके बाद रेफर टू एचआर अगर नहीं हुआ फिर हम यहाँ पे अटेंडेंस देंगे कि जिद वापस आएगा, तो मैं यहाँ पे उसका चौथे तारीख में मैं इसको एक नंबर को आरटीएफ कर दूंगा। आरटीएफ हो गया तो फिर वापस जो चल रहा है वो चलेगा, ठीक है। लेकिन वो 3 दिन के बाद आरटीएफ नहीं हुआ, अगर तीन से ज्यादा आप सेंड कंटिन्यू है और वो आरटीएफ नहीं हो रहा है तो यहां पे सिर्फ डैश डैश आ जाएगा, मतलब ये छोड़ के भाग चुका है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि चौथे 3 दिन के बाद आरटीएफ नहीं होता है तो उसको हम यहां पे डैश 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 पूरा कर देंगे, मतलब ये अब्सकॉन्ड हो गया, एबीएस कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 5वें तारीख को अगर मालूम नहीं आया तो 4वें तारीख को हम यहाँ पे एबीएस कर देंगे। एक बार यहाँ एबीएस हो गया तो आगे इसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, आगे इसकी डैश 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 हो जाएगी। तो यहां पे इसके लिए हमें एक कंडीशन देना पड़ेगा कि इफ, और यहां पे रख देंगे काउंट इफ, काउंट इफ, काउंट इफ में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया यहां से यहां तक और कॉमा दे दिया। एक भी एबीएस अब्सकॉन्ड का अगर इसका आया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक भी कंडीशन है तो यहां पे तो यहां पे हम 6 को फ्रीज कर देंगे, ये पूरा फ्रीज हो जाएगा और इसका सिर्फ 6 फ्रीज होगा। नहीं, गलत हो गया, 6 फ्रीज नहीं होगा, चेंज कर देगा ना मेरे सामने ना, तो आपने देखा जैसे वो यहाँ एबीएस हुआ इस पूरे महीने की इसकी अटेंडेंस हट गई। अब वो वापस मान ले 5-7 दिन बाद आता है तो इस साल उसकी रीज्वाइनिंग करेगी क्योंकि वो यहाँ से एक बार अब्सकॉन्ड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत और भी है कि एबीएस मुझे लगाना, हमें एबीएस लगाना पड़ रहा है, यहाँ लगाना पड़ रहा है, मैं लगाना नहीं चाहता हूँ, एबीएस अपने आप आए, मतलब कि अगर वो रेफर टू एचआर नहीं आया तो ऑटोमेटिकली एबीएस आना चाहिए यहाँ, अगर रेफर टू एचआर नहीं है तो ऑटोमेटिकली एबीएस आना चाहिए। तो यहां यहां पे हम कमांड करेंगे, यहां देंगे कमांड, हम देंगे कमांड कि इफ, और इफ में हमने वापस काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया, काउंट इफ में मैं 3 को सिलेक्ट कर लूंगा, याद रखिए क्योंकि 3 ही करना है ना, मैं तो पहले 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं, 3 को सिलेक्ट, और इसमें हमने बोला ए क्योंकि कंटिन्यू 3 दिन अब्सेंट है, कंटिन्यू बीच बीच में अब्सेंट है तो कोई बात नहीं, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है तो यहां पे आना चाहिए ए बी एस,
वाला एबीएस, फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, इसको कुछ नहीं करना, आगे की तरफ ड्रैग कर देना है, कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं करनी। अगर अब यहाँ पे अटेंडेंस में आता हूँ, यहाँ पे एक इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे अटेंडेंस में एबीएस आया या, लेकिन मैं यहाँ पे आरटीएच कर देता हूँ एक तारीख को, सॉरी रेफर टू एच आर आरटीएच। तो अटेंडेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पे आरटीएच आ गया, उसके बाद फिर इसका अटेंडेंस जैसा लग रहा है वैसा लग रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों की नहीं सर, सर के ऊपर से निकल रहा है वीर सिंह जी। हेलो, यस सर, समझ। तो इस तरह से हम अपने फॉर्मूले बता रहे हैं, इस तरह से हम इसको आपस में कॉन्टेक्ट मेल करते हैं, राइट। अब चलिए वापस बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। अब अगला फॉर्मूले की कैटेगरी हमारी आती है, इसके बाद हम इसमें आते हैं फॉर्मूले में, लॉजिकल फॉर्मूले में। मैं एक बार समझा देता हूँ क्या क्या है लॉजिकल फॉर्मूले में। हमारा यहाँ पे एंड बता ही दिया मैंने, आपका इफ बता ही दिया, इफ एरर बता ही दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आप और हमने हो ही गया। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि इज एन, तो इज इफ एरर और इज एन एक ही जैसा है। जैसे कि मान लीजिए कि इफ एरर क्या होता है, किसी भी तरह का एरर दिखाते हो तो उसके जगह पे ए आता है, रिजल्ट आपका जो चाहते हैं सो आता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको डिवाइड बाई जीरो कर दिया, तो अगर मैं यहाँ पे इफ एरर लगाऊंगा तो इफ एरर इसके जगह पे जो नंबर आप बोलेंगे वो नंबर शो कर देगा, अगर एरर हुआ तो। अगर नहीं एरर नहीं हुआ, कोई नंबर हुआ तो नंबर ही शो करेगा। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इफ एन ए, इफ एन ए सेम काम करता है इफ एरर की तरह, लेकिन वो सिर्फ इफ एरर के एरर पे ही शो करते हैं, एन ए के एरर पे शो करता है। अगर मैं यहाँ पे एन ए कर दूं तो शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। तो ये आपका इफ एन ए होता है। इफ एन ए के बाद एक बात करते हैं आई एफ एस का, इफ्स का। जैसे कि अभी आपने एक चीज देखा कि मैं स्लैब इंसेंटिव लगाया तो जितने कंडीशन उतने इफ मैंने दिया, बट अगर मैं इसी चीज को आईएफएस से करता, आईएफएस ये लेटेस्ट फॉर्मूला है आईएफएस, तो मैं यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दूंगा कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो वैल्यू ट्रू क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 500 आ जाए। और फिर वापस मुझे इफ लगाने की जरूरत नहीं है, बस वापस मैं सिर्फ ए लगाऊंगा कि लेस देन 80 है तो यहाँ पे 1000 आ जाए। फिर हमने इसको सिलेक्ट किया अगर लेस देन इक्वल टू 100 है तो यहाँ पे 2000 आ जाए। फिर इसको सिलेक्ट किया अगर ए ग्रेटर देन 100 है तो यहाँ पे 5000 आ जाए। इसमें हमें बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं है, हम एक ही इफ में कई सारे कंडीशंस लगा सकते हैं, कई सारे कंडीशन लगा सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे एंड दिया है, जो हमने और दिया है, ये सारा काम हम इससे कर सकते हैं। दूसरा चीज, जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहीं पे बात करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ 1 आए तो दिल्ली 1 2 3 इस तरह से। तो अभी क्या है कि मैं वहाँ इसी के ऊपर हमें करना है, 1 आएगा तो दिल्ली आएगा, 2 आएगा तो मुंबई आए, 3 आए तो कोलकाता आए, ऐसे नंबर देना है हमें। तो आपके सामने आपका ऑफिस 365 का एक स्विच का फॉर्मूला होता है। स्विच का फॉर्मूला क्या करता है, आप बस इस पे ए डाल दीजिए, रिजल्ट एक्सप्रेशन सेलेक्ट कर लीजिए। हमने बोला कि अगर 1 हुआ तो यहाँ पे दिल्ली आना चाहिए, 2 हुआ तो मुंबई है, लेकिन इसमें लॉजिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे नहीं, सिर्फ आपका एग्जैक्ट वैल्यू मैच करेगा मुंबई। यहां पे 3 हो तो कोलकाता है, इस तरह से दे सकते। उसके बाद इसमें हमारे पास आता है नॉट। नॉट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि अगर आपका ट्रू हो अपोजिट करना चाहते, जैसे हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ये फॉर्मूला लगाया,
तो इसमें क्या था कि यहाँ पे सॉरी ये फॉर्मूला, तो ये था कि ट्रू होने पे पास देगा अदरवाइज फेल होगा, लेकिन सडनली आपका प्लान बदल गया कि नहीं, मुझे उल्टा करना था, मुझे कि यहाँ पे ट्रू हो तो फेल दिखाए और ये हो फॉल्स हो तो पास दिखाए, तो अब पूरा एक्चुअली आप पास फेल चेंज कर सकते हो। कि यहाँ भी हो सकता है बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला, जैसे अभी मैंने अभी फॉर्मूला आपको दिखाया अटेंडेंस का, आप इतने बड़े फॉर्मूले को आपका स्विच करना मुश्किल हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, उससे पहले नॉट लगा देना है। तो नॉट क्या करता है कि आपका यहाँ पे अगर आपका ट्रू है तो नॉट क्या करता है कि इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, और फॉल्स है तो ट्रू में अपोजिट कर देता है। जैसे हम माइनस लगाने पे करते हैं कि अगर आपने यहाँ पे नंबर दिया, अगर मैंने माइनस नंबर माइनस सेलेक्ट कर दिया इसको, तो आपका -50 आ रहा है, अगर हमने यहाँ पे -50 करेंगे तो +50 आएंगे। नॉट का काम भी यही होता है। और उसके बाद इसमें आपका आता है ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स जस्ट ट्रू एंड फॉल्स को शो करता है। एक्स और में दो कंडीशंस हो तो ट्रू देता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे चूज वन और यहाँ पे चूज टू है, मतलब कि मुझे किसी इसमें से किसी एक को ही चूज करना है, दोनों को नहीं छोड़ना, दोनों को चूज नहीं करना है, दोनों को नहीं छोड़ना है, तो उस केस में मैं यहाँ पे एक्स और का फॉर्मूला लगाऊंगा कि एक्स यहाँ पे एक्स और इसको सेलेक्ट किया इक्वल वापस इसको सेलेक्ट किया देन इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे देखिए अब ट्रू आएगा, अगर मैं डिलीट कर दूँ तो फॉल्स आएगा, और हम दोनों में वाई कर देंगे तो फॉल्स आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लॉजिकल कैटेगरी हमारा खत्म हुआ, अगली कैटेगरी आती है हमारी टेक्स्ट की। तो चलिए अगली टेक्स्ट की कैटेगरी को समझते हैं। टेक्स्ट की कैटेगरी में जो फॉर्मूले हैं देख लीजिए, बैटेक्स का फॉर्मूला इंडिया में यूज नहीं होता, कैर है, किसी भी करेक्टर को अगर हम यहाँ पे कोड देते हैं तो उसका कोड दिखा देता है, और वापस कैर जो है यहाँ पे कैर वापस करेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से अगर आपने कोई नाम, जैसे मैंने नाम लिया कुमार दिया, तो ट्रीम का फॉर्मूला अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है, अनवांटेड स्पेस जैसे शुरुआत में आपने लगा दिया, लास्ट में लगा दिया। उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि आपने रैप टेक्स किया, यहाँ पे कुमार कर दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा क्लीन का फॉर्मूला होता है, उसको। उसके बाद हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला होता है जो कि लेंथ दिखाता है, कितना लेंथ इसमें डाला हुआ है। टेक्स्ट में आगे आते हैं, और उसके बाद कॉनकेट का फॉर्मूला है। कॉनकेट और टेक्स्ट ज्वाइन दो फॉर्मूले होते हैं। उससे पहले मुझे ज्वाइन के बारे में बता देता हूं, ज्वाइन क्या होता है कि मैं यहां पे कुछ लिस्ट और नेम देता हूं, कुछ लिस्ट और नेम देता हूं, और यहाँ पे मुझे इसको आपस में ज्वाइन करना है। तो नॉर्मल एक्सेल थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे कि आप मान लीजिए आपने यहाँ पे सुजीत और कुमार दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि इनको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपस में ज्वाइन कॉनकेटेनेट फॉर्मूला से या फिर एंड स्पेस से भी कर सकते हैं, इस तरह से। लेकिन एक एक करना पड़ेगा, पूरे वो करना है तो उस केस में हम यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे कॉनकेट। तो कॉनकेट पूरे एक रेंज को कॉनकेट कर देता है, यहां पे देखिए, लेकिन कोई कोई सेपरेटर यूज नहीं करता है। कॉनकेट फॉर्मूला कोई सेपरेटर यूज नहीं करता है। आपको सेपरेटर चाहिए तो उसके लिए हम यहां पे टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे सिलेक्ट नहीं, माफ कीजिएगा, पहले मुझे यहाँ पे देना था सेपरेटर, हाँ सेपरेटर, फिर क्या ब्लैंक को इग्नोर करना है, यस इग्नोर करना है, और यहाँ पे अपना रेंज दे दीजिए, तो सेपरेशन के साथ टेक्स्ट ज्वाइन यूज हो जाता है। अब टेक्स्ट ज्वाइन का एक और यूज है, इसके लिए मुझे एक छोटा सा डेटा बनाना पड़ेगा। आप वी लुकअप यूज किए होंगे, अच्छा वी लुकअप किसको किसको पता नहीं है, किसको वी लुकअप पता ना हो, पता है वी लुकअप? चलिए
जैसे कि अगर मैं बताता हूं कि मैंने यहाँ पे पूजा लिखा और पूजा सर नहीं हाँ पता देखिए यहाँ देख लीजिए। अब देखिए यहाँ नेम लिखा होगा राइट, तो नेम में हमारा नीतू है। अब मुझे पता करना है कि नीतू का सेल कितना है, मुझे पता करना है कि नीतू का सेल कितना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे वी लुकअप इस्तेमाल करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू और अपना डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे पूरा डेटा को, और फिर कॉमा टू क्योंकि दूसरे कॉलम पता करना है सेल्स, तो कॉमा टू और यहाँ पे कॉमा जीरो कर देते हैं। ये आपका नीतू जो होगा आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि नीतू कई बार रिपीटेड है, मुझे सबकी वैल्यू यहाँ कॉमा 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 करके लाई, तो वी लुकअप ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट ज्वाइन यूज करेंगे, यहाँ देते हैं कॉमा, यहाँ देते हैं ट्रू, लेकिन हमें एरे फॉर्मेट में देना होगा। फिर यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि इफ अगर ये पूरा इक्वल टू नीतू है तो इसकी सेल्स को शो कर, और फिर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर सामने फॉल्स। एक मिनट फॉल्स में मुझे यहाँ ब्लैंक करना होगा, यहाँ ठीक है 2768 नीतू इतना बार इसकी वैल्यू है, एक साथ कॉमा करके दे देता है टेक्स्ट वाइज। तो हमने कैसे लगाया आप देख लीजिए, हमने कॉमा लगाया कि टेक्स्ट वाइज हमें कॉमा सेपरेट करना है, ब्लैंक को स्किप करना है, इग्नोर करना है, फिर बोला कि पूरा रेंज में जो F3 मतलब इंदर है उसकी जो सेल्स वाले पॉइंट है वो मुझे दे दे, और जहां सेल्स नहीं है वहां पे ब्लैंक कर दे। तो टेक्स्ट ज्वाइन एरे को सपोर्ट करता है, तो एक कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते हैं एरे फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दे दिया कि हाँ ये पूरे रिजल्ट आपके। तो टेक्स्ट ज्वाइन का ए भी यूज की जाती है। चलिए वापस आते हैं फॉर्मूले पे, उसके बाद यहाँ क्वेरी थी यहाँ पे हाँ। जैसे टेक्स्ट ज्वाइन है ये तो आपका 365 का पार्ट है ना, हाँ ऑफिस 2019 ऑफिस 19 अब सर अगर मान लो ये 13 और 16 में करना हो, इसको यूज करना हो, तो इसके लिए आपको याद होगा, आपको याद है ना मैं आपको वी लुकअप लिस्टिंग पढ़ाया था। हाँ हाँ ठीक है, तो वो तो वी लुकअप को ये करके कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में कैसे लेके आएंगे जैसे लेके आए हो? नहीं इस फॉर्मेट में नहीं ला पाए, उसके लिए वीबी यूज करना पड़ेगा। तो फिर वो लुकअप के थ्रू वो यूनिकोड जनरेट करके कर सकते हैं ना? हाँ हाँ ठीक है ओके सर। यहाँ पे एक आता है हमारा एग्जैक्ट। अब जैसे कि हमने अभी भी इफ का फॉर्मूला यूज किया, तो इफ के फॉर्मूले में क्या था कि मैं यहाँ पे यूज किया राम और यहाँ दे दिया मैंने राम। नॉर्मली लॉजिक जो है दोनों को इक्वल कर दे रहा है, पर मुझे एग्जैक्ट मैच करने हैं। तो एग्जैक्ट मैच करने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट यूज किया और इसको सेलेक्ट किया कॉमा इसको सेलेक्ट कर लिया, तो दोनों आपस में एग्जैक्ट होंगे तभी मैच होगा, नहीं तो मैच नहीं होगा। ओके तो एग्जैक्ट मैच होगा तभी इसको मैच होगा, अदरवाइज मैच बिल्कुल नहीं होगा। से यहाँ पे आपका फाइंड फॉर्मूला, कोई भी अगर आपने वर्ड लिखा है उस पर फाइंड करना है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया कुमार @iptindia.com। अब यहाँ पे मुझे अगर इसे पता करना है कि @ है या नहीं है, तो फाइंड फॉर्मूला क्या करता है, फाइंड फॉर्मूला इसमें फाइंड करता है @ को कि @, और हमने इसको सेलेक्ट किया इसमें कॉमा वन किया होगा तो उसका लोकेशन देगा कि कितने करेक्टर बाद है 6, नहीं होगा तो एरर देगा। तो इसके बिहाफ पे आप लेफ्ट का फॉर्मूला लगा के सेपरेट कर सकते हो, 6-1 अलग कर दे। एक राइट का फॉर्मूला होता है जो कि राइट का फॉर्मूला राइट से अलग करता है, तो इसमें अगर मैं नंबर दिया 6-7 तो इसको अलग कर देगा, अदरवाइज आपको ऑटोमेट करना है। इस एग्जाम्पल में तो मैंने बोला कि लेंथ कंप्लीट लेंथ माइनस
सिक्स ये आपका अलग। ये आपका फाइन लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला। अगर आपको मिड से अलग करना हो जैसे कि इस तरह से, मिड से अलग करने के लिए हमारे पास मिड का फॉर्मूला होता है कि मिड इसको सिलेक्ट किया और हमें बोला फोर फाइव, फाइव से स्टार्ट करे और थ्री तक चले, थ्री लेटर अलग करे, तो मिड मिड से अलग करता है और फाइन के साथ मिलकर इनको और इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फिक्स्ड का, फिक्स्ड होता है एक हमारा डॉलर होता है। जैसे कि हमें नंबर दिया तो इस नंबर को हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको परसेंटेज लगा दिया, हमने इसको कॉमा लगा दिया, कुछ और भी लगा सकते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, कोई फॉर्मेटिंग इस तरह से ना हो, तो उसके लिए आप उसको डॉलर में रख दें तो डॉलर साइन के साथ आएगा, और इसको फिक्स में रख दें तो फिक्स इस, खासकर इसका इनवाइसिंग वगैरह में इसका यूज करते हैं हम लोग। किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं हो। उसके बाद कुछ कन्वर्जन फॉर्मूला है, उसको एक बार जान लीजिए। जैसे कि हमने यहां पे सुजीत लिखा, इसको अपर में करना है तो हमारे पास अपर का फॉर्मूला है, हमें इसको लोअर में करना है तो हमारे पास लोअर का फॉर्मूला है, मुझे इसको प्रॉपर में करना है तो हमारे पास प्रॉपर का फॉर्मूला है। उसी तरह से अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लेट गए, यहाँ पे हो गया लेफ्ट, हो गया लोअर, हो गया मिड, हो गया। अब जैसे कि हम कभी कभी क्या होता है कि हम लोग टेक्स्ट में नंबर लिख देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू है जो कि इसको कन्वर्ट करता है, एक हमारे पास नंबर वैल्यू है, दोनों का काम सेम ही है, इसको वापस नंबर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आता है जैसे कि सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला। जैसे हमने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखा, उसको किसी और में मुझे रिप्लेस करना है, तो हमारे पास यहाँ सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला होता है जो कि इसमें किसी पर्टिकुलर करेक्टर को अनोदर करेक्टर से रिप्लेस कर देता है, दैट इज सब्स्टिट्यूट फार्मूला। उसी तरह से मेरे पास रिप्लेस का फॉर्मूला है, रिप्लेस का फॉर्मूला इसमें से आपको अगर रिप्लेस करना चाहते हो कि भाई पोजीशन के हिसाब से कि चौथे से एक करेक्टर को रिप्लेस कर दे स्लैश में, तो सब्स्टिट्यूट करेक्टर के हिसाब से रिप्लेस करता है और रिप्लेस जो है हमारा पोजीशन के हिसाब से रिप्लेस करता है, तो ये अलग अलग रिप्लेसिंग का यूज किया जाता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं रिप्लेस के बाद, अब देखते हो क्या फॉर्मूला छूटा हुआ तो सर रिप्लेस में अगर मुझे चेंज करना तो हेलो सुन रहा हूं मैं सर, मैं ये बोल रहा था कि रिप्लेस में जैसे मतलब मुझे पोजीशन के हिसाब से चेंज करना है तो पहले वाले पे आपने चेंज कर दिया, फिर अगर दूसरे वाले को चेंज करना हो तो फिर उसको उसका पोजीशन दीजिए, फिर दोबारा उसका पोजीशन दीजिए, फिर दोबारा रिप्लेस ही कहेंगे। एक बार एक ही पोजीशन को चेंज करेगा, फिर दोबारा रिप्लेस लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि भाई यहाँ पे आठ के नंबर से एक लेटर को स्लैश कर दे, ठीक है, क्लियर है। मुझे दो मिनट दीजिएगा, मैं मॉम का फोन है, दो मिनट दीजिएगा। हेलो
सॉरी सर। तो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मूला हमने कवर कर लिया। टेक्स्ट के बाद अगली कैटेगरी आती है हमारी डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम में सबसे पहला फॉर्मूला डेट। डेट से पहले जानिए कि आप डेट कैसे लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे डेट लिखना चाहते हैं तो डेट कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे अगर आज का डेट लिखना चाहता हूँ तो पहले महीना लिखूंगा स्लैश फिर आज का डेट लिखूंगा, जैसे 4, अगर 3 है तो 3, इस तरह से। अब नहीं समझ में आया क्योंकि अलग अलग सिस्टम के अलग अलग फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख दूंगा एपीआर, एंटर मार दूंगा, आ जाएगा डेट, करेंट डेट आ जाएगा। प्रीवियस डेट में आपको, प्रीवियस ईयर में आपको, करेंट ईयर है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर में आपको ईयर डालना पड़ेगा। अब इसमें डेट में आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि आज का फॉर्मूला लेना है तो हमारे पास टूडे का फॉर्मूला जो कि आज की सिस्टम डेट देता है, नाउ का फॉर्मूला है जो कि सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों देता है। मुझे आज के फॉर्मूले में अगर ईयर अलग करना है तो ईयर का फॉर्मूला है जिससे मैं ईयर को अलग कर सकता हूँ। हमारे पास डेट का फॉर्मूला, इसका मंथ का फॉर्मूला हो जिससे मैं मंथ को अलग कर सकता हूँ, और हमारे पास डे का फॉर्मूला है जिसमें से डे को अलग कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास टाइम के लिए हमारा आवर का फॉर्मूला है जो कि इसमें से आवर अलग करता है, मिनट का फॉर्मूला है जो कि इसमें से मिनट को अलग करता है, और हमारे पास सेकंड का फॉर्मूला है जो कि इसमें से सेकंड को अलग करता है। फिर डेट में हम यहाँ कंबाइन कर सकते हैं कि डेट, ईयर, मंथ, ऐसे यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला है, यहाँ पे टाइम, आवर, मिनट एंड सेकेंड आपका टाइम। उसी तरह से किसी पर्टिकुलर टाइम पे, अगर किसी पर्टिकुलर डेट में अगर आपको कुछ दिन जोड़ने हैं तो 20 दिन जोड़ने हैं तो हम यहाँ पे प्लस 20 कर देंगे, 20 दिन जुड़ जाएगा, या घटाना है तो माइनस कर देंगे। लेकिन मुझे अगर 3 महीने जोड़ने या घटाने हैं तो हमारे पास ई डेट का फॉर्मूला है, ई डेट के फॉर्मूले में हम इस मंथ को ले लेंगे तो ये हमारा डेट मंथ ऐड हो जाएगा। माइनस करने हैं तो -3 कर दीजिए तो घट जाएगा तो बढ़ जाएगा। लेकिन किसी डेट में मुझे 2 साल 4 महीने और 3 दिन जोड़ने हैं तो उसके लिए हम यहाँ डेट का फॉर्मूला लेंगे। डेट में हम ईयर, इसमें से ईयर को अलग किए, इसमें +2 कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ मंथ को अलग करता हूँ और इसमें +4 कर दिया, और मैं वापस डे अलग करता हूँ इसमें से तो डे को अलग कर देता है, आपके सामने आ जाता है। उसी तरह से डेट के बीच, हेलो हेलो ना बोले सर, गुड मॉर्निंग। मैं बोल रहा हूँ ये जो टाइम वाला है, टाइम को हम एग्जैक्ट मिनट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं क्या चाहते हैं? टोटल 9 hours 39 minutes, राइट? हाँ, तो इसको आप क्या कीजिए कि इसको टेक्स्ट फॉर्मूला में जाइए, इनवर्टेड कॉमा में एम डाल दीजिए, टाइम में मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये मिनट में कन्वर्ट बहुत लंबा दिख रहा है ना सर, क्योंकि यहाँ टाइम भी, नो आई थिंक ये डेट ले रहा है। यस हाँ, डेट को भी कन्वर्ट कर रहा है, तो टेक्स्ट में सिर्फ टाइम को डालिएगा यहाँ पे जी। सेकंड में करना है तो यस कर दिए, सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। अगर इसमें सेकंड भी रहा तो 9 hours 40 minutes and 10 seconds, ऐसा अगर कोई डेटा है मेरे पास जिसमें सेकंड्स भी है और उसको मुझे वो मिनट्स में कन्वर्ट करना है, 9 hours 40 minutes 10 seconds, सेम फॉर्मूला होगा? हाँ सेम फॉर्मूला होगा। चलिए, तो 2 डेट ओके सर, डिफरेंस निकालना है तो लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो एक काम कर, गो टू मीटिंग डॉट कॉम, मैंने बोल लो ना, तो यहाँ पे हमने 10 यहाँ पे हमने माइनस कर दिया तो आपका डिफरेंस आ गया।
उसी तरह से अगर एक हमारे पास फॉर्मूला डेज का है तो डेज फॉर्मूला भी डिफरेंस निकालने का काम करता है, लेटेस्ट डेट माइनस कॉमा ओल्डेस्ट डेट आपका आ जाएगा। उसी तरह से मेरे पास यहाँ पे एक डेज 360 का फॉर्मूला है जो कि दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालती है, लेकिन वो साल को 365 नहीं साल को 360 दिन लेती है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, ये निकाल देता है। मुझे ऐसे दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना है लेकिन सैटरडे एंड संडे को इग्नोर करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है नेटवर्क डेज इसको स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। आपको यहाँ पे देखिए आ गई सैटरडे संडे इग्नोर कर दिया इसने। सैटरडे संडे के अलावा कोई हॉलीडे लिस्ट है जैसे होता है ना 15 अगस्त 26 जनवरी, ऐसे लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, उस लिस्ट को भी इग्नोर करके आपको एग्जैक्ट वर्किंग डेट दे देगी, वर्किंग डेज दे देगी। लेकिन अगर आपको सैटरडे संडे नहीं आप अपने हिसाब से अलग करना चाहते हैं, आप सैटरडे संडे नहीं आप अपने हिसाब से अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी लगाइए, नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी, इसमें आप स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट सेलेक्ट कर लीजिए, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और उसके बाद आपको यहाँ पे वीकेंड्स देना होगा कि किस वीकेंड्स को आप अलग करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया मुझे अलग करना है सिर्फ संडे को, हमने संडे का 11 नंबर सेलेक्ट कर लिया और फिर हम अपना हॉलीडे लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा आपके सामने ये अलग हो गया। तो दो डेट के बीच में इस तरह से ले सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि अगर मान लीजिए इन दोनों डेट के बीच में मुझे एक पर्टिकुलर डेट है जैसे कि आज की डेट ले लिया और मेरा मेरा जो है 15 वर्किंग डे के बाद मेरा एक ऑर्डर या एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहां पे हम टेक्स्ट फॉर्म सॉरी टेक्स्ट नहीं वर्क डे फॉर्मूला लगाएंगे, स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ डेज और यहां पे आप अपना हॉलीडे सैटरडे संडे मंडे जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका डेट आ जाएगा कि 15 वर्किंग डे सैटरडे संडे छोड़ के या हॉलीडे छोड़ के कौन सा है वो आपको यहां दिख जाएगा। बात अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि नहीं मुझे सैटरडे संडे नहीं अपने हिसाब से करना है तो हमारे पास एक वर्क डे डॉट आई एन डी एल है, उसको लीजिए स्टार्ट डेट नंबर ऑफ डेज और यहाँ पे अपना वीकेंड सेलेक्ट कर लीजिए और आप यहाँ पे उसी तरह से अगर हम कोई डेट डालते हैं तो डेट में मुझे इस महीने का लास्ट डेट चाहिए तो हमने आपको ईओ मंथ बताया था पहले, ईओ मंथ का यूज होता है लास्ट डेट के लिए, तो ये हमारा डेट। इसके बाद अगर डेट को किसी ने टेक्स्ट में लिख दिया हुआ जैसे 1 जनवरी इस तरह से, तो वापस डेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डेट वैल्यू का फॉर्मूला होता है, इसे फॉर्मेट अप्लाई कीजिए आपका आ जाएगा। उसी तरह से टाइम को अगर किसी ने डाल रखा है तो यहाँ पे हमारा टाइम वैल्यू का फॉर्मूला होता है जो कि आप टाइम में कन्वर्ट कर सकते। तो डेट एंड टाइम में हमने डे कर दिया, डेज डेज हो गया 360, ई डेट हो गया, ईओ मंथ भी बता दिया, आवर बता दिया, मिनट मंथ भी बता दिया, नेटवर्क डेज आई एन टी एल नाउ भी हो गया, सेकेंड भी हो गया, टाइम भी हो गया, टाइम वैल्यू भी हो गया, टुडे भी मैं बता चुका हूँ आपको, वीक डे और वीक डे तो बताया था आपको मैंने टेक्स्ट फॉर्मूले के साथ, और संडे मंडे देता है। वीक नंबर फॉर्मूला कोई खास नहीं, आप कोई भी वीक नंबर में कोई भी अगर डेट सेलेक्ट करते हो तो बताता है कि इस साल का कौन सा वीक चल रहा है, सिर्फ ये बताता है साल का कौन सा वीक चल रहा है, महीने का वीक नहीं बताता है, और महीने का वीक बताने के लिए कोई फॉर्मूला भी नहीं है। अब लास्ट फॉर्मूला में बचता है ईयर फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए कि कोई काम अगर आपने बोला कि मैं एक काम देता हूं एक साल का, मेरा चार्ज मान लीजिए 5 लाख रुपए का चार्ज है एक साल का, लेकिन काम मैं आज ही खत्म कर दिया तो मैं साल का 5 लाख हमारा चार्ज है तो हम उसको 5 लाख पूरा तो अमाउंट नहीं डाल बोल सकते ना कि पूरा अमाउंट दीजिए, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में यहां पे हम ईयर
ईयर वैकेंसी अप्लाई करेंगे, ईयर वैकेंसी स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, ये बता दिया 25% आपने साल का यूज किया होगा, तो ये इसका यूज इस्तेमाल किया जाता है। टाइम कैलकुलेशन की बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि आपने ऑफिस सुबह 10 बजे गए और शाम को 18 बजे ऑफिस वापस आ रहे हैं, तो कितना घंटा आपने ऑफिस में काम किया। तो जस्ट अगर डेट सेम डेट का है, टाइम आपका सेम डेट का है, तो लेटेस्ट डेट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम कर लीजिए, आपका यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा। लेकिन आज आप 2 बजे ऑफिस गए, जैसे 4 तारीख को 2 बजे आप ऑफिस गए और 5 तारीख को आप सुबह या रात को, दो रात को मान लीजिए 1 बजे आप ऑफिस से वापस आ रहे, तो यहां आप लेटेस्ट में ओल्डेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि डेट चेंज है। तो खैर, तो डेट एंड टाइम को आप एक साथ लिख दें, डेट एंड टाइम को एक साथ लिख दें या फिर दोनों को प्लस कर दें और फिर लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम, आपके पास टाइम आ जाएगी, इस पे टाइम का फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा 11 घंटे। तो टाइम की भी हमारी कैलकुलेशन खत्म है। उसके बाद हम बात करते हैं रेफरेंसेस कैटेगरी के फॉर्मूले की। फॉर्मूले में हमारा लुकअप एंड रेफरेंसेस में रेफरेंसेस को समझते हैं। सबसे समझते हैं। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए। एक क्वेरी थी सर। पूछिए। हाँ सर, अगर मुझे मंथ के अंदर अगर वीक नंबर चाहिए होगा कि फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फिर जैसे मंथ एंड होता है उसके बाद नेक्स्ट मंथ से फिर नेक्स्ट मतलब 1 या 2 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट हो जाए, मतलब कि वीक नंबर, नंबर ऑफ सैटरडे, नंबर ऑफ संडे का डेट चाहिए आपको, काउंट चाहिए। हेलो सॉरी, वीक नंबर चाहिए होगा सर मुझे। हाँ तो मतलब कि ये चाहिए आपको कि किस महीने में कितने सैटरडे संडे है या फिर वीकडे कितने, वीकडे कितने हैं। नहीं सर, मुझे जैसे जैसे अगर मैं मंडे से वीक स्टार्ट करता हूँ, हाँ, तो एक वीक हो गया फर्स्ट वीक, फिर देन सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, तो नंबर चाहिए, मतलब फर्स्ट वीक है तो फर्स्ट आ जाए, सेकंड वीक है तो सेकंड। नहीं, मैं बताया ना आपके लिए, थोड़ा पहले इसी बताया ना, इस चीज के लिए फॉर्मूला नहीं है। वीक नंबर सिर्फ आपका नंबर ऑफ डेज बताता है, साल को बताता है। लेकिन आप अगर एक साथ डिवाइड, साथ साथ का गैप बनाना चाहते हो, सैटरडे संडे से रीड मतलब नहीं है आपका, आईडी से मीटिंग आईडी नहीं, 7 से डिवाइड कर लीजिए, 149 351। हरी जी प्लीज म्यूट रखिए अपने माइक को। अच्छा तो एक काम कर, डेस्कटॉप मत आप, वो आज ठीक है सर, उसके लिए वीवीए फॉर्मूला, वीवीए के जरिए हम फॉर्मूला बना लेते हैं, या कुछ और, एक और भी तीरम होता है, एरे फॉर्मूला में होता है, लेकिन थोड़ा सा लंदी है, अभी आप नहीं समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, लुकअप रेफरेंसेस में हमारा एड्रेस का फॉर्मूला है। अगर हमने यहाँ पे रो नंबर और यहाँ पे हमने कॉलम नंबर दे दिया, तो रो नंबर 1 कॉलम 1 दे दिया, तो हमारे पास यहाँ एड्रेस का फॉर्मूला है, तो इसमें हमने रो नंबर और यहाँ पे हमने कॉलम नंबर ले लिया, तो आप देखिए यहाँ पे आपके नंबर आ गए, A1 एड्रेस आ जाता है A1, और A1 पे कोई वैल्यू डली है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप इनडायरेक्ट का फॉर्मूला अपना सकते हैं। इनडायरेक्ट इसका बेनिफिट क्या है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपके साथ हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने मंथ ले लिया, यहाँ पे मैंने सेल्स ले लिया, नंबर 3 मान लीजिए। अब मुझे यहाँ पे Q1 का सेल चाहिए, बट क्या है कि मेरे डेटा में क्वार्टर तो है नहीं, बट मेरा डेटा सॉर्टेड है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे Q1 के लिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा एड्रेस का, मैच का, सॉरी पहले मैच, हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने अगर क्वार्टर, मैच से पहले मुझे एक और फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैंने क्वार्टर और यहाँ पे 1 दे दिया,
तो हमारे पास एक चूज का फॉर्मूला होता है। चूज का फॉर्मूला क्या करता है कि अगर मैं वन दे दिया तो अगर ये वन आया तो यहाँ पे जैन आएगा, अगर टू आया तो यहाँ पे आपका अप्रैल आएगा, अगर थ्री आया हर महीने मैंने हर क्वार्टर का मैं यहाँ पे फर्स्ट मंथ ले रहा हूँ जुलाई, और फिर यहाँ हम जैन अप्रैल जुलाई और यहाँ आते अक्टूबर, तो हर क्वार्टर का यहाँ पे मैं ला दे रहा हूँ। तो टू करूंगा तो यहाँ पे थ्री किया इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये करूं मैच का फॉर्मूला लगाऊं, मैच में जैन को सिलेक्ट करता हूं और यहां हम एक एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां पे मैं जीरो कर देता हूं, ये बता देगा कि ये जैन का रो नंबर क्या है। फिर मैं यहां एड्रेस का फॉर्मूला लगाता हूं, एड्रेस के फॉर्मूले में बोलता हूं कि रो नंबर एक है कॉलम नंबर वन है, ये हमारा ए टू आ गया। फिर वापस एड्रेस का फॉर्मा लगाता हूँ और बोलता हूँ कि रो नंबर टू प्लस टू और कॉलम नंबर वन है, ये बता दिया कि A2 से A4 तक हमारा A2 से A4 तक है। फिर इसको एक एड्रेस फॉर्मूला, क्योंकि जब हम सम का फॉर्मूला यहाँ डालेंगे तो सम के फॉर्मूले में इस तरह का रेफरेंस चाहिए, तो हमने इसको आपस में कंबाइन कर दिया। ये हमारा A2 से A4 आ गया, A2 से A4। अब हम क्या करेंगे इसको वापस इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर में, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्मूले के सम के अंदर डालेंगे, सम इनडायरेक्ट। रिजल्ट जीरो आया क्योंकि हमने यहां पे गलत कर दिया, यहां पे टू होना चाहिए कॉलम टू, क्योंकि बी कॉलम में है ना, रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब इसको कंबाइन करके एक सेल में मर्ज कर दीजिए। तो इनडायरेक्ट और इसमें आपने तीन फॉर्मूले सीखा, आपने मैच को सीखा, आपने चूज को सीखा, आपने एड्रेस को सीखा और आपने इनडायरेक्ट को सीखा। उसके बाद अगला आता है हमारे रो एंड कॉलम का फॉर्मूला। अच्छा मान लीजिए कि मुझे एक सीट में मुझे सीरियल नंबर देना है, तो 1 2 आप लिख के नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर सकते हैं। अगर बीच में से अगर मान लीजिए किसी चीज को हमने डिलीट कर दिया तो डिलीट हो जाएगा ना हमारा, तो सिक्वेंस अनसिक्वेंस हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं डिलीट हो तो सिक्वेंस में रहे, तो उसके लिए उस केस में हम यहां रो का फॉर्मूला अप्लाई करें और इसको नीचे तक ड्रैग करें। अब बीच में अगर मैं यहां से डिलीट करता हूं तो देखिए अनसिक्वेंस रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं रो का फॉर्मूला, मान लीजिए मुझे सीरियल नंबर यहां से चाहिए, अगर मैं यहां रो का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 7 आएगा, कोई बात नहीं इसमें से माइनस 6 कर दीजिए, आपका 1 2 3 आया है इस तरह से। उसी तरह से सेम हमारा कॉलम का फॉर्मूला है कि जिस कॉलम में लगाएंगे उसका रिजल्ट आपको दे देगा, या फिर इसके अंदर भी या रो के अंदर भी किसी का रेफरेंस देते हैं तो उसका कॉलम नंबर आता है, और वर्टिकली करना हो तो आपका ये रो, हॉरिजॉन्टली करना हो तो कॉलम का इस्तेमाल आप कर सकते। अच्छा सर, रो में एक छोटी सी क्वेरी थी, जैसे मान लो कि डिलीट को इसने अपने आप नंबर को पिक कर लिया, अगर मान लो मुझे इसमें ऐड करना हो और कंट्रोल डी करते हैं तो सेम करते, उसके लिए क्या ऐड, समझा नहीं मैं। जैसे मान लो कि रो के बीच में मैंने कुछ इंसर्ट कर दिया, 2-3 रोज इंसर्ट कर दिए और उसके बाद उसको कंट्रोल ही कर दिया जितना देर तक मैंने उसको इंसर्ट करा था। हाँ कोई दिक्कत नहीं, उससे मतलब ठीक है, अगर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया तो वापस वैल्यू वापस चेंज हो जाएगा, ठीक है। बीच में अगर हमने इंसर्ट कर दिया तो बस इसको कंट्रोल डी की आ जाएगा।
नहीं ऊपर जैसे मतलब अगर बीच में मैंने 11 और 13 के बीच में इंसर्ट करा राइट है और इसी को इतना सही कंट्रोल की तरह जिस लगेगा फॉर्मूला उसका देगा उसे आपने बीच में क्या ब्लैंक कर रखा है क्या कर रखा है उससे मतलब इसको नहीं ओके ठीक है। अब एक फॉर्मूला हमारे पास आता है वो आता है फॉर्मूला टेक्स्ट। फॉर्मूला टेक्स्ट फॉर्मूला क्या करता है कि जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो वो बताता है कौन सा फॉर्मूला आपने लगाया। उसी तरह से एक होता है हमारा फील्ड वैल्यू। फील्ड वैल्यू यहाँ पे नहीं होता है यहाँ पे फील्ड वैल्यू ये नया फॉर्मूला है फील्ड में ये आपको एक, एक इस पे लगाना पड़ेगा एक डेटा के ऊपर। तो यहाँ पे हमने फील्ड वैल्यू दे दिया। फील्ड वैल्यू में वैल्यू फील्ड नेम बता गया नया फॉर्मूला है एक बार अप्लाई किया था हमने और आई थिंक B2 होगा एग्जैक्ट एक्सपेक्ट वैल्यू फ्रॉम अ फील्ड गिवन रिकॉर्ड ये होता है वैल्यू का रिकॉर्ड बीच है वांट टू एक्सट्रैक्ट फील्ड नेम्स ऑफ फील्ड इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट ये ऑफिस 365 का नया फॉर्मूला है सर। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे इसने दे दिया A2 और यहाँ पे दे दिया प्राइज एक मिनट रुक जाइए A2, B1 130 कैसे आ गया। मैं एक बार इसके बारे में डिटेल में पढ़ के बताता हूँ ठीक है। नया फॉर्मूला है सर ऑफिस 365 मैंने 2 महीने पहले इंस्टॉल किया है ना सर इसे एक बार बताऊंगा ठीक है। इसमें आपका एक फिल्टर का भी फॉर्मूला है ये तो गूगल सीट से लिया गया। अब फिल्टर का फॉर्मूला क्या करता है मैं बताता हूँ आपको इसी को लेता हूँ मान लीजिए ये भी आपका इसका फॉर्मूला है लेटेस्ट वर्जन का। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला देता हूँ फिल्टर
फिल्टर में हमने अपना डेटा ले लिया, और इसमें मैंने लगा दिया एचआर। ये तो होता है फिल्टर का प्रॉब्लम, फिल्टर रेंज और एरे। और तो नहीं कि डिपार्टमेंट को यूनिक बना के अलग रखना और उसको लिंक देना हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देख गूगल शीट पे मैं यूज करता हूँ, गूगल शीट में क्या होता है कि आप पूरी की पूरी एक रेंज को फिल्टर कर सकते हैं। ओ हाँ, इसमें माफ कीजिएगा, इसमें मुझे ये भी देना पड़ेगा, मैं भूल गया, फिल्टर देना पड़ेगा, हेडिंग देना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर मैं फिल्टर का फॉर्मूला अपनाऊंगा, फिल्टर, और मैं दूंगा रेंज को। फिल्टर ए टू से फिल्टर लिया और हमने अपना डेटा का रेंज लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू एच आर, समझ रहे। तो आपको सबसे पहले डेटा रेंज ले लीजिए, उसके बाद आप बताइए कि आपका जो किस कॉलन का किस एरिया में क्या मैच करना है, तो आपका यह डेटा आ जाएगा फिल्टर। ओके, तो फिल्टर फॉर्मूला इसके लिए यूज किया जाता है। फॉर्मूला टेक्स्ट बता दिया, गिव पिवट डेटा, पिवट टेबल पर जब आप लिंक करते हैं तो गिव पिवट डेटा का यूज हो जाता है। एक हमारा शॉर्ट बाय भी एक नया फॉर्मूला है, शॉर्ट एंड शॉर्ट बाय। जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वल शॉर्ट को सिलेक्ट कर लिया, शॉर्ट, शॉर्ट में हमने एक अपना डेटा रेंज ले लिया, और यहाँ पे हमने शॉर्ट ऑर्डर, हम शॉर्ट इंडेक्स किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो हमने बोला 1 to नेम के अकॉर्डिंग, और ऑर्डर हमने बोला असेंडिंग करना है। ये देखिए आपका शॉर्ट, आपका शॉर्ट हो गया वन पहले कॉलम से। अगर मान लीजिए इसको 2 कर देता हूँ तो नेम का अकॉर्डिंग शॉर्ट कर लेगा, नेम अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया, तो एक शॉर्ट अलग अलग में आपको शॉर्ट कर देता है। अब एक आता है शॉर्ट बाय, एक नए फॉर्मूले है शॉर्ट बाय। शॉर्ट बाय में आपको अरेंज करना है कि भाई मुझे इसको शॉर्ट करना है और किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। तो कर्ली ब्रैकेट मैंने बोला कि यहाँ पे पहले पे पूजा है, देवा में रेंज देना होता है ताकि आपको, जैसे आपने एक डेटा ले लिया और एरे वन, और शॉर्ट ऑर्डर नहीं दिया था क्या मैंने यहाँ पे, फिर आपको देना है शॉर्ट ऑर्डर सेंडिंग।
एक कॉलम के लिए हो जाएगी और हम लोग देखना पड़ेगा ये तो नया फॉर्मूला है चलिए इसको स्किप करते हैं अब वापस लुकअप पे आते हैं लुकअप का फॉर्मूला बना कर ये पे आते हैं तो मैं यहाँ पे कोड करता हूँ नेम कोड में मैंने यहाँ पे वन ले दिया यहाँ पे और यहाँ पे नेम मैं यहाँ पे देता हूँ छोटा सा डेटा बना रहा और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट बाई सेल दे हमारा डेटा अब मुझे ये डेटा हमारा मान लीजिए ये डेटा है और मुझे अगले सेल में यहाँ समरी चाहिए या फिर रिकॉर्ड चाहिए यहाँ पे यहाँ पे जैसे कि ये जो चीज़ें हमने दी गई है इसको यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और मैं यहाँ पे वन मान लीजिए मुझे 65 आपको यहाँ पे 74 17 23 इनका रिकॉर्ड चाहिए एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे तो काफी टाइम लगेगा तो यहाँ पे हम सिंपल वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं कि वी लुकअप और यहाँ पे टेबल ऐड मतलब कि कौन सा डेटा है याद रखिएगा लुकअप हम कर रहे हैं किसको ए कॉलम को तो मुझे यहाँ पे आपको ये देना पड़ेगा वन कॉमा वन कौन सा कॉलम वन एंड टू चाहिए तो यहाँ पे हमने टू दे दिया कॉमा जीरो कर दिया तो यहाँ इंदर आ गया फिर वापस मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूँ इसको सिलेक्ट करता हूँ और डेटा में जाता हूँ और डेटा में वापस अपने डेटा को सिलेक्ट किया इस बार मुझे चाहिए प्रोडक्ट वन की सेल तो मैं वहाँ वन टू थ्री यहाँ पे थ्री डालूंगा कॉमा जीरो यहाँ पे थ्री आ गया फिर वापस मैं यहाँ वी लुकअप रखूंगा इसको सिलेक्ट करूंगा इसी तरह से हर कॉलम के लिए आपको वन बाय वन वी लुकअप लगाने पड़ेंगे क्योंकि हर बार ये आपका कॉलम नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है इसके दो सॉल्यूशन है कि अगर आपका इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस सेम है तो आप एरे लगा लीजिए आप पूरे को सिलेक्ट कीजिए वी लुकअप दीजिए लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए और वापस डेटा में जाइए और यहाँ डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ कर्ली ब्रैकेट में आप नंबर दे दीजिए 2 3 4 5 6
कॉमा 04 एग्जैक्ट मैच, यहाँ देखेंगे आपका पूरा हो गया। या दूसरा तरीका, अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले मैच का फॉर्मूला बताया था। मैच क्या करता है, किसी भी डेटा को रो एंड कॉलम पे मर्ज मैच करता है और रिजल्ट आपको जीरो देता है, टू दिया। तो मैं इसी चीज को वी लुकअप के अंदर यूज कर सकता हूँ कि वी लुकअप, और यहाँ पे हम डेटा पे गए और यहाँ हमने मैच का फॉर्मूला लगा लिया कि मैच, मैच में ए टू कॉमा और फिर रेंज ले, ए टू ने ए वन होगा बी वन, बी वन कॉमा और ये पूरा रेंज हमने ले लिया एंड कॉमा जीरो कर दिया, वापस कॉमा जीरो। वी लुकअप और मैच को आपस में मर्ज कर दिया और हमारा रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब इसको आगे करने के लिए मुझे इसको फ्रीज करना पड़ेगा, तो इसको ड्रैग कर पाऊंगा। इसको फ्रीज किया हमने, फोर्स इसको फ्रीज कर दिया, इसको फ्रीज कर दिया और यहाँ पे इसको फ्रीज किया बी वन कर वन और नीचे की तरफ, सॉरी आगे की तरफ जो है ड्रैग कर दिया। तो वी लुकअप का यूज करते हैं, बोलिए सर ये वी लुकअप से हो रहा है तो मैच का यूज करने का मतलब यहाँ पे क्या फायदा है? आपको ये हुआ कि वी लुकअप एक बार में एक सेल का रिजल्ट देता है ना, जैसे टू आपने डाल दिया, फिर यहाँ वी लुकअप लगाया तो तीन डाला, आप यहाँ लगाया चार डाला, राइट? तो आप अब मान लो सेकंड 20 कॉलन है तो 20 बार वी लुकअप लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हर बार आपको कॉलम नंबर अलग डालना है ना। नहीं अब बट नीरज वाला में तो अब जो एक बार वी लुकअप लगाया सारा का वैल्यू आ गया। ये आपका एरे फॉर्मेट, तो इसमें क्या होता है कि आपका इसका सीक्वेंस सेम होना चाहिए ना सर। मान लीजिए कि आपने आप थोड़ा सा बहुत बड़ा नंबर था, आपको ढूंढ ढूंढ के डालना पड़ जाएगा। ये तरीका है, तरीका सिंपल है कि आपका अगर नेम जो हेडिंग, आपकी हेडिंग और डेटा की हेडिंग दोनों एक जैसी है तो मैच लगा लीजिए। मैच क्या करेगा, हेडिंग का नंबर लेके वी लुकअप को दे देगा। ओके ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका डेटा में आपका यूनिक नंबर स्टार्टिंग में हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि किसी डेटा में आपका वी लुकअप स्टार्टिंग में नहीं हुआ, तो जैसे कि मेरे पास एक डेटा है, इसमें मैं मान लीजिए कि मैं इसको उठाता हूँ और सबसे लास्ट में रख देता हूँ या फिर बीच में रख देता हूँ, बीच कर देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। तो अब क्या होगा कि मैं वी लुकअप की मदद से, मैं जो वी लुकअप है उस वी लुकअप की मदद से मैं इससे आगे की चीजें उठा सकता हूं, लेकिन इससे पीछे की चीजें नहीं उठा सकता, समझे? लेफ्ट टू राइट होता है, राइट? हाँ, लेफ्ट टू राइट चलता है। तो क्या करें, उसके दो दो तीन एग्जांपल हैं, दो आप कर सकते हैं। एक के लिए आपको ऑफिस 365 चाहिए, एक हमारे पास होता है जैसे हमने हमारा कोड है, कोड को थोड़ा सा एक कोड है जहाँ पे वन दिया। तो मैच का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं तो मैच क्या करता है, इसका सीक्वेंस नंबर दे देगा मुझे कॉमा जीरो। सीक्वेंस नंबर यहां से ढूंढेगा वन एंड टू, राइट सर? अभी हमारे पास इंडेक्स का फॉर्मूला है। इंडेक्स का फॉर्मूला क्या करता है कि पूरे रेंज पे, एरिया पे आप लगाइए। ये बताता है इसमें कि आप इसमें बताइए कॉलम नंबर। मैंने बोला कि मुझे चाहिए मान लीजिए प्रोडक्ट वन, इसका फी फोर का यहाँ पे नंबर वन कर दिया और कॉमा रो नंबर मैंने यहाँ पे मैच का रिजल्ट टू कर दिया, ये पी फोर का उल्टा कर दिया, माफ कीजिएगा मुझे उल्टा लिखना पड़ गया। यहाँ पे पहले हमारा कॉलन आता है, तो हमने यहाँ पे पहले कॉलन, पहले रो नंबर दिया फिर कॉलम नंबर वन दे दिया, तो यहाँ पे रिजल्ट आ। इंडेक्स और मैच एक साथ आप लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अगर एट नंबर का चाहिए, एट नंबर का मान लीजिए मुझे चाहिए पी सेवन की वैल्यू, तो मैं यहाँ इंडेक्स लगाया। इंडेक्स में मुझे, मैंने पूरी डेटा को सिलेक्ट किया और फिर मैंने यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाया और मैच के फॉर्मूले में हमने इसको सिलेक्ट किया, इस नंबर को सिलेक्ट किया और हमने इस एरिया में लुकअप किया कॉमा जीरो। ये हमारा आ गया रो नंबर। कॉल नंबर पी सेवन का फोर है तो मैंने यहाँ पे फोर दे दिया और यहाँ पे एंटर मार दिया। तो ये वी लुकअप की तरह बिहेव करेगा हमारा। थर्टीन करूँगा तो थर्टीन का आ जाएगा, एट करूँगा तो एट का आ जाएगा। लेकिन इसमें आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना होगा,
डेटा कम और ज्यादा होगा तो दिक्कत होगी, तो यहां पे हमारे पास ऑफसेट का फॉर्मूला है। ऑफसेट हम यहां इसको सिलेक्ट करेंगे एंड रो, तो माफ कीजिएगा गलत हम कर दिया, हम सिलेक्ट करेंगे ऑफसेट में स्टार्टिंग ऑफ योर डेटा, डेटा यहां से स्टार्ट है, फिर रो नंबर, तो रो नंबर के लिए हम मैच का फॉर्मूला लगा लेंगे, मैच का फॉर्मूला रो में यहां नीचे देगा आपको कि इसमें से ढूंढ के मैच का फॉर्मूला देगा। कॉमा जीरो किया, मुझे चाहिए कि सर पी सेवन का था, 0 1 2 3 3 करूंगा, तो ये आपका रिजल्ट आ गया 0 1 2 3। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 30 है, 16 दिया हमारा, 16 क्यों दिया, क्योंकि याद रखिएगा कि मैच हमेशा काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करता है। जैसे कि मैंने ऑफसेट में दिया, इसमें इंडेक्स में हमने दिया था, यहाँ पे कॉलम नंबर हमने दिया था, मान लीजिए यहाँ पे 4 दिया था ना सर, बट यहाँ पे कॉलम नंबर 3 देना पड़ा। उसी तरह से रो नंबर भी मुझे यहाँ पे 1 माइनस करने होंगे, क्योंकि ऑफसेट की जो गिनती होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है और आपका इंडेक्स जो है 1 से स्टार्ट करता है, तो दोनों में दिक्कत है, तो यूज कर सकते हैं। या फिर आप अगर ऑफिस 365 यूज करते हैं तो सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्स लुकअप का, एक्स लुकअप लीजिए, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए और आप लुकअप एरे, हमने लुकअप एरे में अपना ये डेटा ले लिया कि मुझे इसमें से लुकअप करना है, राइट। अब आता है रिटर्न एरे कि क्या रिटर्न करना है, तो हमने बोला मुझे P1 को रिटर्न करना है। अगर वैल्यू ना मिला तो वैल्यू नहीं मिला है तो मुझे यहाँ पे ब्लैंक करना है, यहाँ पे 46 आ गया, 8 का 46। अगर मान लीजिए 8 नहीं होता, यहाँ 18 होता तो यहाँ ब्लैंक होता। तो जो एक्स लुकअप है वो आपका इंडेक्स मैच, ऑफसेट मैच और आपका इफ एरर सबका काम एक साथ कर देता है, लेकिन ये आपका ऑफिस 365 में यूज होगा। सरनाम जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो वीर सिंह जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ये आपका एक्स लुकअप का पार्ट हुआ। यहाँ पे जैसे कि हमने एक्स लुकअप का पार्ट आपका हुआ, तो बी लुकअप में और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपने सीखी थी पहले और आप लोगों के बैच में भी आया, बस मैंने आपको ओवर दिया कि बी लुकअप एक्स में आपका मैच इंडेक्स मैच कैसे करेंगे। एक फॉर्मूला होता है हमारा एच लुकअप का। एच लुकअप फॉर्मूला कब वर्क करता है? जब आपका डेटा हॉरिजॉन्टल हो जाए, इस तरह से पेस्ट स्पेशल, और इसमें मैंने बोला कि मेरा डेटा ट्रांसपोज हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। अब मुझे यहाँ पे 10 का नेम चाहिए, तो वी लुकअप का काम करेगा नहीं, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा एच लुकअप का फॉर्मूला, एच लुकअप को सिलेक्ट करूंगा, अपना डेटा को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह पे रो इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा 2 एंड कॉमा 0। इसको भी आप ऑफसेट मैच या इंडेक्स मैच से कर सकते हैं, आप ट्राई करके देखिए, कोई खास नहीं है इसलिए। तो एक्स लुकअप का फॉर्मूला एक्स लुकअप होता है, लेकिन क्या एक्स लुकअप से किया जा सकता है? एक्स लुकअप में हमने लुकअप वैल्यू 10 ले लिया, अब बोला है ये आपका लुकअप एरे, तो लुकअप एरे में मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ डेटा को, और रिटर्न एरे मैंने नेम को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एरर नॉट फाउंड, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ, एरर ना आए, और यहाँ पे एक्स लुकअप आपका एच लुकअप का भी काम कर देता है। तो वी लुकअप, एक्स लुकअप एक फॉर्मूला आया जिसने वी लुकअप, एच लुकअप, इफ एरर सबको छुट्टी कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि लुकअप में हमेशा हम जीरो डालते, राइट। इससे पहले आपको मैंने इफ का फॉर्मूला बताया है, थोड़ा देर पहले आपने देखा होगा, यहाँ इफ का फॉर्मूला तीसरे नंबर पे था,
तो आपने देखा कि इसमें हमने इंसेंटिव के लिए क्या किया, हमने इंसेंटिव के लिए वी लुक इसका इफ का इतना लंबा फॉर्म में अप्लाई किया, इसको से भी किया जा सकता है कैसे, देखिए 0, 41, 81 एंड 101 इस तरह से स्टार्टिंग ऑफ अपनी स्लैब का स्टार्टिंग यहाँ डाल दीजिए और फिर यहाँ पे आप वी लुकअप लाइए, वी लुकअप लुकअप वैल्यू और अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा 1 एंड 2 एंड कॉमा 0 राइट, 0 अगर डालते हैं तो एन में आएगा, तो 0 के जगह पे आप यहाँ पे 1 डाल दीजिए, स्लैब मैच करेगा मतलब देखेगा कि 80 किससे बड़ा और किससे छोटा है और उसका वहां पे रिकॉर्ड आ जाएगा। मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि 75 है आया, 41 है, 39 चेंज हो गया, 20 है, तो ये आपका वी लुकअप का यूज हो सकता है। वी लुकअप की जगह पे एक लुकअप का फॉर्मूला भी होता है, वो भी इसका यूज किया जा सकता है इससे। तो हमने यहाँ पे लुकअप वैल्यू लिया और लुकअप वैल्यू में आने के बाद मैंने यहां पे इसको सिलेक्ट किया कॉमा रिजल्ट वेक्टर को सिलेक्ट किया और एंटर मारता हूं, देखेंगे कि आपके सामने क्या रिकॉर्ड है। प्लीज म्यूट रखा कीजिए, थक गया हूं बोलते बोलते। लुकअप का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, डेटे में आते वापस। अब मान लीजिए मुझे इसमें पूजा का टोटल सेल चाहिए, तो हमारे पास सम इफ का फॉर्मूला है। सम इफ का फॉर्मूला इसमें आप दे सकते हैं कि मुझे, क्योंकि नॉर्मली सम अगर आप करते हैं तो पूरा आता है, तो यहां पर आप सम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। सम इफ, हमने रेंज को लिया, हमने अपने इसको लिया और इसका टोटल कर दिया, हमारा सम इफ का टोटल आ गया। सम इफ मैं दोबारा बताता हूं, जैसे मैंने यहां पे कविता लिखा और यहां पे मैंने इक्वल सम इफ लगाया और सम इफ में मैंने अपना रेंज लिया, कविता को सिलेक्ट किया और जिसका सम निकालना है उसका सिलेक्ट किया, टोटल के रिजल्ट हमारा आ गया। उसी तरह से मुझे अगर एवरेज निकालना है तो हमारे पास एवरेज इफ का फॉर्मूला, जिसमें मैं रेंज लूंगा सम इफ की तरह और यहां पे एवरेज जिसका लेना है लूंगा, तो यहां पे मुझे एवरेज सेल आ जाएगा। उसी तरह से हमारे पास काउंट इफ का फॉर्मूला, तो आपने पहले ही बताया, दोबारा बताता हूं, काउंट इफ कि मुझे जिसमें काउंट करना है उसको सिलेक्ट किया और एक काउंट इफ आ गया। हालांकि काउंट के एक और दो फॉर्मूले और है, जैसे काउंट है जो कि नंबर को काउंट करता है, काउंट ए है जो कि आपको काउंट करता है नंबर टेक्स्ट दोनों को, और एक होता है काउंट ब्लैंक जो सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है, ओनली फॉर ब्लैंक को काउंट करता है। उसके बाद अगली जो एग्जांपल आती है वो आती है हमारी मल्टीपल कंडीशन हुए, तो या फिर मल्टीपल कंडीशन हुए या फिर मैं करना चाहता हूं कि भाई मुझे पूजा का सेल चाहिए वो भी ग्रेटर देन 80 जो होगा उसका सेल चाहिए, तो यहां पे मैं सम किया, सम इफ्स करेंगे क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा और बोल, मैं पहले से उल्टा करना होता माफ कीजिए, सम रेंज कि मुझे सम किसका करना है तो मुझे इसका सम करना है, क्राइटेरिया वन रेंज आता है कि क्या है, तो मैंने बोला कि क्वार्टर वन है, सॉरी ये पूजा है, प्रोडक्ट नेम है पूजा और प्रोडक्ट वन में हमने बोला कि ग्रेटर देन 60 है, ये आपका टोटल आ गया। मल्टीपल कंडीशन इस तरह से दे सकते हैं कि भाई पहले आपको किसका सम करना है, पहली कंडीशन का रेंज, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन करना, दूसरी कंडीशन, और आप सम इफ के अंदर भी इस तरह के लॉजिकल ऑपरेटर दे सकते हैं। और यहीं पे अगर मान लीजिए मैं यहां पे एवरेज इफ निकाल इफ्स लगा लूं, तो हमारे पास एवरेज इफ्स भी है जो कि एवरेज निकालती है, तो मुझे इसकी एवरेज निकालनी है, कंडीशन है हमारा पहले ए और पहला कंडीशन ए है, दूसरा कंडीशन हमारा ए है और दूसरा कंडीशन ए रहा, रेंज और कंडीशन, ये आपका एवरेज निकल गया। उस तरह से हमारे पास काउंट इफ्स का फॉर्मूला है जो कि काउंट करता है,
काउंट इफ्स का फॉर्मूला है, मल्टीपल रेंज को काउंट करता है कि हमने इसको सेलेक्ट काउंट इसको सेलेक्ट किया, फिर हमारा आया क्या मैच करना है, ए मैच करना है, फिर इसको सेलेक्ट किया क्या मैच करना है, ए मैच करना है, या वो काउंट दे दिया कि नो काउंट है। काउंट इफ्स आप लगा सकते हैं। अब इसलिए मान लीजिए कि मुझे अगर मान लीजिए कि टॉप फाइव सेल चाहिए तो यहां पे मैं क्या करूंगा, हमारे पास एक लार्ज का फॉर्मूला है, लार्ज का फॉर्मूला में जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और ये हमारा लार्ज नंबर दे देगा। नीचे का तरह सेलेक्ट कीजिए पहला लार्ज, क्योंकि आपके पास मैक्स का फॉर्मूला होता है, तो मैक्स का फॉर्मूला होता है क्या करता है कि सिर्फ मैक्सिमम नंबर देता है यहां से। और हमारे पास एक मैक्स इफ का ही फॉर्मूला होता है, जैसे मुझे पूजा का मैक्सिमम सेल चाहिए तो मैं मैक्स इफ का एफ एस का फॉर्मूला निकालूंगा, इसमें लगा दूँ, मल्टीपल कंडीशन में लगा सकते हैं मैक्स इफ। मैक्स इफ में मैक्स रेंज, मुझे इसका मैक्स निकालना है, पहली कंडीशन ये रहा, कंडीशन हमारा पूजा रहा, दूसरी कंडीशन इसको सिलेक्ट किया, दूसरा कंडीशन हमारा ये रहा, ये हमारा मैक्स हो गया। लेकिन ये ओवरऑल देता है, लेकिन ये पोजिशन देता है ओवरऑल में, मुझे सबसे पहला मैक्स 523 है, उसके बाद 514 है, उसके बाद 496 है, उसके बाद 488 है, ऐसे मैक्सिमम नंबर आपको यहाँ देता रहेगा। और इसी तरह से मुझे स्मॉल चाहिए तो इसे मिन, आपके पास मिन का फॉर्मूला होता है क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालती है, मिन का फॉर्मूला होता है, यहाँ से मिनिमम वैल्यू आपको निकाल कर देती है। उसी तरह से यहाँ हमारे पास स्मॉल का फॉर्मूला है जो कि इसमें से मिनिमम के पोजीशन के हिसाब से निकाल सकते हैं, और ऐसे हमारे पास मिन एक्स का फॉर्मूला, मिन एस का, मिन इफ सॉरी, क्योंकि कंडीशंस के बिहाफ पे मिन निकालता है, तो इस हम मिन रेंज हमारा ये हो गया, पहली कंडीशन रेंज ये हो गया, पहला कंडीशन ये हो गया, दूसरी कंडीशन रेंज ये हो गया और दूसरी कंडीशन ये हो गया, आपका मिन रेंज आपको शो कर गया। ओके okay?